আমাদের উপানগর সেবা সময় পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব সর্ব সম্মান্ত কারণে সমর্থন করিলাম। এখন আমাদের মালাচন্দ্র বড় কাছেন আমাদের সংগঠন দাস ব্রহ্মচারী। আজকা বিষয়
कृष्ण प्रेम होना यह विषय वस्तु रखा गया। आज के सभी वक्ता जन श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो अवधान है इस विषय में वर्णन करेंगे, तो हम सबसे पहले आमंत्रण करते हैं हमारे पूज्य श्री संजय प्रभु इस कथाओं को प्रस्तुत करें जो महाप्रभु जी के अवधान के विषय में सुनाने को। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्पदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णु पादाय श्री रूप रघुनाथ प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छह गोसाई करे चरण वंदन जहावे देवी विनाश अभिष्ट पूरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीमद् नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श सफरी कृष्ण प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय प्रभु सपार्श सफरी श्री गौर नित्यानंद प्रभु जय प्रभु उपस्थित पूजनीय सभापति महोदय श्री भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। पूज्य पाठ श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। अन्य अन्य तिरंडी पात्र ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा रूप दंडवत प्रणाम है। हम लोग जैसा कि अभी महाराज जी बता रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्रदान इस विषय के ऊपर इस विषय पर कुछ इष्ट गोष्ठी करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों ने अपने गुरु महाराज जी के मुख से इस विषय में जो कुछ श्रवण किया है उनकी ही वाणी सेवा के रूप में उनके मुख से श्रवण किए हुए विषय को चरवित चरण के रूप में जो कुछ मेरी स्मृति पर उदित हो रहा है उसमें से कुछ एक शब्द मैं बस कह करके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जगत में आविर्भूत होकर जो ये पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया इस पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम प्रदान की जो महाप्रभु जी की लीला है उसमें एक विषय बड़े सुंदर रूप में स्पष्ट हो गया कि पंचम पुरुषार्थ से पहले जो ये चतुर्वर्ग है जिसको चार पुरुषार्थ बतलाया गया शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चतुर्वर्ग अथवा चार पुरुषार्थ है ये वास्तव में देह धर्म तक ही सीमित है, किंतु यदि कहो मुक्ति में तो कुछ आत्म धर्म की चर्चा है तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा स्पष्ट रूप में कथा मुक्ति व्याघ्रा नाशो किल सर्वात्म गिरणी के मुक्ति की तो बात को भी मत सुनना ये तो सब कुछ निकल जाने वाली बात है। इसलिए शास्त्रों में स्थान स्थान पर भक्तों ने ये जो चतुर्वर्ग है धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी भत्सना करके पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम है उसके ही सर्वश्रेष्ठत्व को प्रतिपादित किया। मैं दो एक क्षण के लिए बदला हूं क्योंकि ये पंचम पुरुषार्थ वास्तव में है क्या इसका वैशिष्ट्य क्या है
इसको समझने के लिए कुछ जानना पड़ेगा, ये चार पुरुषार्थ क्या है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है। यदि चतुर्वर्ग इस चार पुरुषार्थ में कथित धर्म के विषय में कहो कि इसको शास्त्रों में पुरुषार्थ बतलाया गया, तो श्रीमद् भागवत कहते धर्म सुनिश्चिता पुरुषा विश्वक सेन कथा सुया ना उत्पादे जति गति श्रम एव ही केवलम, के वर्णाश्रम इत्यादि धर्मों का पालन करते करते यदि भगवान की कथा में रुचि ना हो तो ये धर्म पालन करना श्रम है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बता दिया, न धर्मम ना धर्मम श्रुति कट निरुक्तम किल गुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मीतम शचि सूनुम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरु वरम मुकुंद प्रेषकत्वे स्मर परम जसरम ननुमना। अधर्म की तो बात छोड़ दो, धर्म भी पालन नहीं करना। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे पुण्य से सुखेर धाम तार ना नहीं होना पाप पुण्य दूरी परिहरे। इसलिए चतुर्वर्ग में कथित इस धर्म की बात करो तो भक्तों ने इसकी भर्त्सना कर दी। फिर कहो धर्म के पश्चात अर्थ आ गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है। यदि चतुर्वर्ग में कथित अर्थ की बात कहो तो श्री वृत्तासुर जी ने जो चित्त केतु महाराज है उन्होंने श्रीमद् भागवत में प्रार्थना की भगवान के सामने ना नाग पृष्ठम ना चा पार्वे ना रसादि पत्यम ना योग सिद्धि रपना भवंगा समन जसा तम भी रही है कांक्षे। साधारण अर्थ की तो बात छोड़ दो, स्वर्ग को ध्रुव लोक को पाताल के भोगों को योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों को भी भक्तों ने धिक्कार दिया। यदि धर्म अर्थ के पश्चात चतुर्वर्ग में कथित काम की बात कहो तो श्री प्रभु महाराज श्रीमद् भागवत में भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं ना कामे ना तदप्य हम क्वचित ना यत् युष्मत् चरणां पूजासवा। भगवान से प्रार्थना कर रहे प्रभु जिसमें आपके चरणों के मकरंद का पान ना कर सके हम, ऐसी कोई कामना हम आपसे करते ही नहीं है, हमें ऐसी कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। भक्तों ने काम को भी धिक्कार दे दिया। और यदि मोक्ष की बात कहो चतुर्वर्ग में कथित, यदि मोक्ष की बात कहो तो स्वयं भगवान कपिल देव मैया देवभूति से कहते कि नैक आत्मता में स्प्रयन्ति केचित मत पाद सेवा धृता मदीहा, कि यदि मैं अपने भक्तों को मेरे जो भक्त हैं वो मेरे चरणों की सेवा को छोड़ करके इस मुक्ति की अभिलाषा कदाचित नहीं करते, कदापि नहीं करते, तो शास्त्रों में स्थान स्थान पर भक्तों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चतुर्वर्ग को जिसको चार पुरुषार्थ कहा इसको त्याग करके पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की कृष्ण प्रेम के सर्वश्रेष्ठत्व को प्रतिपादित किया भक्तों ने। अब समय संक्षेप में तो शास्त्र तो भरे पड़े हैं जहां पर इस चतुर्वर्ग की धर्म अर्थ काम मोक्ष की भर्त्सना करके भक्तों ने पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की प्रार्थना की भगवत चरणों में। विशेषकर हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं यदि तत्व की दृष्टि से भी देखो तो इस भागवत धर्म ने, ये भागवत धर्म अर्थात जो जीव का स्वरूपगत धर्म है जीवेर स्वरूप भर कृष्णेर नित्य दास, इसमें इस चतुर्वर्ग का कोई स्थान ही नहीं है। जीव के इस स्वरूपगत धर्म में इस चतुर्वर्ग का कोई स्थान ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में जो अभिधेय मूलक श्लोक है उसमें बड़े स्पष्ट रूप में बता दे धर्मप्रोजित कैतो वत्र परमो निर्वत्सराणाम सदा वेद्यम वास्तव वत्र वस्तु शिवदम किसी प्रकार के भी कपट धर्म कैदव धर्म का कोई स्थान नहीं है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कपट धर्म क्या है, वो कहते हैं अज्ञान तमे नाम कहिए कैदव भक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा आदि यही सब तार वंदे मोक्ष वांछा कैतव प्रधान जहां ऐते कृष्ण भक्ति होन अंतर ध्यान। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको कपट धर्म बतला दिया। तो स्थान में शास्त्रों में ऐसे स्थान स्थान पर प्रमाण है जहां पर भक्तों ने इस चतुर्वर्ग की भर्त्सना करके पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की वांछा की है, किंतु ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है जहां भक्तों ने कृष्ण प्रेम के स्थान पर धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी की भी वांछा की हो। अब इस संक्षिप्त समय में इस विषय में और अधिक कहना कठिन है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इसलिए बड़े स्पष्ट शब्दों में ये पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम जो है इसके वैशिष्ट्य को स्थापित करते हुए कहा है कि कृष्ण विषय प्रेमा परम पुरुषार्थ, कृष्ण विषय प्रेमा परम पुरुषार्थ जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ पंचम पुरुषार्थ प्रेम आनंद मृत सिंधु जार ब्रह्मादि आनंद जार नहे एक बिंदु। उन्होंने इसलिए स्पष्ट शब्दों में बता
दिए कृष्ण विषयक जो प्रेम है पंचम पुरुषार्थ, यही क्या है जीव के लिए एकमात्र वांछा करने की, एकमात्र इच्छा करने की, एकमात्र प्रार्थना करने की वस्तु है। तो हमारे गुरु महाराज यहाँ पर एक बड़ा विशेष और अभिनव विचार बतलाते हैं कि शास्त्रों में समझने की और सुनने की बात है। गुरु जी कहते हैं कि शास्त्रों में ये चतुर्वर्ण की भर्सना करके भक्तों ने कृष्ण के चरणों में कृष्ण प्रेम की प्रार्थना की है, उसी को महाप्रभु जी ने दिया, इसको अभी हम सुन लेंगे कुछ एक क्षण में ही। तो वास्तव में गुरु जी कहते हैं कि कृष्ण पूर्ण तत्व पूर्ण शक्तिमान है, श्रीमती राधिका पूर्ण शक्ति है और कृष्ण प्रेम प्रयोजन है। तो जानने की बात यह है कि कौन सा प्रेम प्रयोजन है, कौन सा प्रेम प्रयोजन है, कृष्ण का श्रीमती राधिका के प्रति अथवा राधा जी का कृष्ण के प्रति। तो गुरु जी कहते हैं कि कृष्ण तो विषय विग्रह है, भोक्ता है और जीव आश्रय जातीय है, इसलिए विषय जातीय प्रेम में जीव का कोई अधिकार नहीं है। और यदि विचार करके देखो तो कृष्ण का राधा जी के प्रति जो प्रेम है उससे कोटि गुना अधिक राधा जी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसका वैशिष्ट्य है। गुरु जी हमारे प्रमाण देकर बताते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण स्वयं राधा जी का प्रेम कृष्ण के प्रेम से श्रेष्ठ है। इसको कृष्ण ने स्वयं स्वीकार करते हुए कहा कि कृष्ण कहे आमी होई रसेर निदान पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेम अमाय कराय उन्मत्त ना जानी राधार प्रेम आछे को तो बल जे बल अमारे सदा कराय विमल राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा आमा नाना नित्य नाचाय उद्भट। गुरु जी कहते कृष्ण स्वयं राधा जी का प्रेम को अपना गुरु बता रहे, राधा जी को अपना गुरु बता रहे, इसलिए राधा जी का प्रेम कृष्ण के प्रेम से कोटि गुना अधिक श्रेष्ठ है। इसी समय वृंदा सखी राधा जी की गोष्ठी बैठी थी, वृंदा सखी सामने से चली आ रही है, राधा जी ने पूछा कि कस्मात वृंदे प्रिय सखी, अरे वृंदा प्रिय सखी तुम कहां से आ रही हो। वृंदा जी ने उत्तर दिया कुंडारण्य ने राधा कुंड के तट से, और वहां पर कौन है। राधा जी ने पूछा राधा कुंड के तट पर कौन है, वृंदा जी ने बताया कृष्ण है। राधा जी ने पूछा कि मेरे गुरु थे वो कृष्ण क्या करते हैं, वृंदा जी ने उत्तर दिया नृत्य शिक्षा, नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं। राधा जी ने पूछा गुरु कौन है, गुरु का, वृंदा जी ने उत्तर दिया तम त्वम तन मूर्ति प्रति तरुलताया, अरे आपकी मूर्ति ही एक एक तरुलता में स्फुरित होकर कृष्ण को नृत्य की शिक्षा दे रही है। इसलिए राधा जी का प्रेम, राधा जी कृष्ण स्वीकार करते हैं कि राधा जी का प्रेम मेरा गुरु है, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य है, इसलिए राधा जी का जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रेम से उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। कृष्ण स्वयं अपने मुख से स्वीकार करते हैं किंतु जीव राधा जी के जो भाव हैं उनको कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। राधा जी के भावों की तो बात क्या, गुरु जी कहते ललिता विशाखा के जो भाव है उनको भी जीव प्राप्त नहीं कर सकता, फिर कौन से कृष्ण प्रेम में जीव का अधिकार है। तो गुरु जी कहते राधा जी की जो अनुगत रूप रति मंजरी इत्यादि है उनका जो नित्यगत भाव है उसके अनुगत जो ये मंजरी भाव है इसमें जीव का अधिकार है, जीव इसको प्राप्त कर सकता है। इसी को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में आए। श्री रूप गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा अनर्पित चरित चिरात करुणा अवतीर्ण करो समर्पय तुमुन्नत उज्ज्वल रसां सो भक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर धुति कलम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्मृतुवा सचिनंदना। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी को स्व भक्ति श्री को देने के लिए स्व भक्ति अर्थात ये जो गोपी भाव है और श्री अर्थात इसकी जो शोभा मंजरी भाव इसी को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में आए। अन्यथा महाप्रभु जी से पहले तो इस पंचम प्रेम कृष्ण पुरुषार्थ का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी श्री प्रभुपाद जी ने इसी मंजरी भाव को ये मंजरी भाव रूपी जो कृष्ण प्रेम है इसी की प्रार्थना की है। श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी कीर्तन में कहते हैं भक्ति विनोद रूप रघुनाथे कहे चरण धरी हैनो राधा दास्य सुधीर संपद कबे दीवे दया करी। ये राधा दास्य जो है ये तो सुधीर जनों की संपद है, इसको भक्ति विनोद ठाकुर जी रूप रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कब मुझको दया करके देंगे। शिला प्रभुपाद जी ने अपने अप्रकट होने से पहले कुछ समय पहले बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारे साधन भजन का मूल लक्ष्य क्या है इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया। सुनने की बात शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनकी स्टेटमेंट है अपने अप्रकट होने से पहले, कहते हैं मधुर रस में नित्य रुचि विशिष्टा होकर, मधुर रस में नित्य रुचि विशिष्टा होकर राधा जी की पाल्य दासी की
किंकरी होने के लिए व्याकुल हो जाइए, इतना तक मैं कहना चाहता हूँ। ये प्रभुपाद जी ने कहा, मधुर रस में नित्य रुचि विशिष्टा होकर राधा जी की पाल्य दासी की नित्य किंकरी होने के लिए व्याकुल हो जाइए, इतना मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारे साधन भजन का मूल लक्ष्य है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बता रहे हैं, पादाब ज्योस्तव बिना वर दास समय नान्यत कदापि समये किल देतिया चे सख्याय तेमम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दासाय तेमम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। अरे आपके सखी भाव को भी प्रणाम है, राधा जी के चरणों में कह रहे हैं, आपके दास्य भाव में हमारी नित्य निरंतर रुचि हो जाए, नित्य निरंतर मति हो जाए, ये रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमारे साधन भजन का मूल लक्ष्य है, ये रूपानुवाचार में बताया है। मैं बस एक दो मिनट और लेकर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, ये कहकर, क्योंकि विशेषकर विषय है श्री चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा कृष्ण प्रेम प्रदान। तो ये कृष्ण प्रेम कौन सा कृष्ण प्रेम, ये तो इस संक्षिप्त समय में कुछ कुछ स्पष्ट हुआ गुरु जी की वाणी से, किंतु हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं महाप्रभु जी के जगत में आविर्भूत होने से पहले इस पंचम पुरुषार्थ प्रेम का नाम भी भला किसने सुना था। श्री प्रभुदानंद सरस्वती पाद कहते हैं, प्रेमा नामाद उदारता श्रवण पथ गता कस्य नामना महिमना को वेता कस्य वृंदाविन महामाधुरीषु प्रवेशा कोबा जानाति राधाम परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा एकस चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वमाविष्टकारा। अरे एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु के जगत में आविर्भूत होने से पहले ये प्रेम रूपी पंचम पुरुषार्थ का नाम भी किसने सुना। सार्वभौम भट्टाचार्य जी जैसे सारे शास्त्रों के विज्ञाता जो सारा जीवन मुक्ति मुक्ति रटते रहे, आप सबने सुना होगा महाप्रभु जी पहुंचे संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में, सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु जी को पहचान नहीं सके। 7 दिन तक वेदांत श्रवण कराया, महाप्रभु ने सुन लिया, और गोपीनाथ आचार्य जो उनके श्यालक हैं उनके साथ में तर्क वितर्क करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी, अरे कलयुग में तो भगवान का अवतार ही नहीं है और तुम कहते हो ये अवतार ही है। तो गोपीनाथ आचार्य जी कहते हैं जिस दिन इनकी तुम्हारे ऊपर कृपा होगी तुम जान सकोगे। तो 7 दिन महाप्रभु ने वेदांत सुना, 7वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने पूछा आपको कुछ समझ में आता है, महाप्रभु जी ने उत्तर दिया आप जो सूत्र बतलाते हैं प्रभु कहे सूत्रे रत बूझिए निर्मल, सूत्र को समझ में आता है किंतु जब आप सूत्र की व्याख्या करते हो ऐसा लगता है सूर्य को बादलों ने ढक दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं अच्छा व्याख्या कर दो, आप सबने सुना होगा महाप्रभु जी ने जब व्याख्या सुनाई और विशेष करके आत्मा नामश्च मुनयो निर्गंथाप्युक्रमे कुर्वन्ते अस्तु किं भक्तिमित्थं भूत्पुरो गुणो हरि, इस श्लोक की भागवत के श्लोक की जब 18 प्रकार की व्याख्या सुनाई सार्वभौम भट्टाचार्य जी आश्चर्य में पड़ गए, चरणों में गिर गए। और जब महाप्रभु की कृपा हुई तो देखिए आश्चर्य की बात क्या है, जो सार्वभौम भट्टाचार्य सारा जीवन मुक्ति मुक्ति रटते हैं वही सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के निकट गए और एक श्लोक श्रीमद् भागवत का तद्देनुकंपा सुसमीक्षमाणो पुञ्जानुपातकृतं विभागम्, श्लोक के अंतिम चरण में आया मुक्ति पदे सदाय भाग। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने मुक्ति पदे सदाय भाग नहीं कहते भक्ति पदे सदाय भाग पाठ कहा। महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे मुक्ति पदे इहा पाठ भय, भक्ति पदे पाठ करो कि तो महाराशय। अरे श्लोक में तो मुक्ति शब्द लिखा तुम भक्ति शब्द क्यों कहते हो। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते प्रभु मैं अब मुक्ति शब्द को मुख से उच्चारण नहीं कर सकता, ये महाप्रभु जी की कृपा है। जो सार्वभौम भट्टाचार्य सारा जीवन मुक्ति मुक्ति रटते हैं महाप्रभु जी के चरणों का स्पर्श क्षणिक सी कृपा प्राप्त करके मुक्ति शब्द उच्चारण नहीं करते, इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते श्रीमद् महाप्रभु जी के श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के शब्दों में हम सुन रहे हैं कि महाप्रभु जी के जगत में आविर्भूत होने से पहले ये पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम का नाम ही किसने सुना था और कैसे महाप्रभु जी ने दिया इसको। चिराग दत्तम निज उक्तम इत्तम स्व प्रेम नामा मृतमत उदारा आप आमरम योग विकतार गौरा कृष्ण जने व्यस्तम हम प्रपत्ते। चिराग दत्तम जो चिरकाल से नहीं दिया गया जो कृष्ण प्रेम, जो बड़ा निज गुप्त वित्त, जो महाप्रभु की बड़ी निजी संपत्ति है उसको कैसे दान किया। आप अमरम योगित तार गौरा कृष्णो जने व्यस्तम हम प्रपद्ये, आप अमर जीवों को भी महाप्रभु जी ने मुक्त हस्त से लुटाया। पात्रा पात्र विचारणा ना कुरुते ना स्वम परम विक्षते दया दे विमर्शो नाही ना काल प्रतीक्षा प्रभु। पात्र अपात्र का विचार किए बिना श्रीमद् महाप्रभु जी ने इस कृष्ण प्रेम को जगत में लुटाया है। पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थान स्थान जे ही जहां पाए तहां करे न प्रेम दान हाइया लोभिया दी लो प्रेमर भंडारे आश्चर्य प्रेमर भंडार शत गुना बढ़े। ये महाप्रभु जी की दया है, ऐसी दुर्लभ संपत्ति को महाप्रभु जगत में लेकर आए और पात्र अपात्र का विचार किए बिना महाप्रभु जी ने मुक्त हस्त से इस दुर्लभ कृष्ण प्रेम को जगत में लुटाया। बिना पात्र अपात्र का विचार किए
और जितना लुटाते हैं उनका भंडार उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने उनकी इस बात को कहकर मैं समाप्त करूं, कहते सर्व साधन हीनोपि परम आश्चर्य वैभवे गौरांगे न्यस्त भावोवा न्यस्त भाव या स्वार्थ पूर्ण एव सा। सब प्रकार के साधनों से हीन भी जो व्यक्ति है केवल महाप्रभु जी के चरणों में शरणागत होने मात्र से स्वार्थ पूर्ण हिंसा, ये तो सर्वोत्तम दुर्लभ प्रेम कृष्ण है। कृष्ण प्रेम तो दुर्लभ वस्तु है जिसके लिए ब्रह्मा जी उद्धव जी शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, लक्ष्मी जी वेल वन में आज भी तपस्या कर रही हैं, उसको महाप्रभु जी बड़े ही मुक्त हस्त से शरणागत होने मात्र से लुटाने वाले हैं। इसलिए कहा यथा यथा घोर पदार विंदे विंदे तो भक्ति कृत पुण्य राशि तथा तथो सरपति हृदय कस्मात राधा पदम बोध सुतामु राशि। क्षणिक से भी भक्ति यदि महाप्रभु जी के चरणों में हो जाए, रूपानुगुरुवर्गों के चरणों में हो जाए, तो क्षणिक से भी यदि भक्ति हो जाए हमारे हृदय में उसी समय में उनकी कृपा से श्रीमती राधिका के चरणों का अनुराग जो है वो हमारे हृदय में बड़े अक्षपात रूप में आविर्भूत हो सकता है। ये श्रीमन महाप्रभु की दया है, हमारे रूपानु गुरुजनों की दया है। श्रीमन महाप्रभु जी ने बड़े मुक्त हस्त से इस दुर्लभ कृष्ण प्रेम को लुटाया है। उन्हीं की परंपरा में श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री प्रभुपाद जी, उनके गण, हमारे गुरुपाद, इन सब रूपानु आचार्यों के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है कि उनकी इस दुर्लभ संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में यदि किंचित लोभ उत्पन्न हो जाए, हम योग्य बन सके उनकी इस दुर्लभ संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, ये उन सबके चरणों में हमारी कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रार्थना है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सब हिंदी सब हिंदुस्तानी प्रथम वक्ता श्री संजय प्रभु बोल कृष्ण प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम। तो महाप्रभुर अवदान विषय वर्णना श्रीमद भागवते सिद्धांत भागवते मध्य बोलते कि समाजे बा संसारे आपका देखते पाई चार के पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष এই চারটি পুরুষার্থ নিয়ে সারা সংসার বেঁধে আছে। কিন্তু মহাপ্রভু বললেন এইসব বাহিনী আগে আগে এইসব কোনো কিছু প্রয়োজন নাই, এইগুলি অজ্ঞান অজ্ঞান অকৃত ভবন্ধ মোক্ষ সংসার বন্ধ আর মুক্তি দুটোই অজ্ঞান। অতএব মহাপ্রভু এটিকে মানে শ্রীমদ ভাগবতে সিদ্ধান্ত কি বাস্তব প্রশ্ন ভক্তি ভক্ত ভগবান। এই জন্য বললেন কি এই যে চার প্রকারের পুরুষার্থ এইগুলিকে কপট ধর্ম করা সংসারে সকলে এই দিয়ে বেঁধে আছে, কিন্তু মহাপ্রভু এইগুলি বাদ দিয়ে তিনি কৃষ্ণ ভক্তির কথা কৃষ্ণ প্রেমের কথা জানিয়ে এখন কৃষ্ণ প্রেম জানতে গেলে বিষয় জাতীয় প্রেম আর আশ্রয় জাতীয় প্রেম। বিষয় জাতীয় বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এখন তাহার প্রেম না আশ্রয় জাতীয় রাধারানীর প্রেম কোনটি প্রয়োজন? সেই জন্য মহাপ্রভু সর্বক্ষণ দেখাচ্ছেন আশ্রয় জাতীয় ভাব। আজ মহাপ্রভু পূর্ববর্তী পরম আচার্য মনে কেউ কোনদিন কৃষ্ণ প্রেম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নাই, প্রেমই পুরুষার্থ এইটা কোনদিন দেখার নাই, কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুকে নাই। আগে প্রথম বক্তা তিনি বললেন কি যে এই যে আশ্রয় জাতীয় ভাব তার ভাব রাধারানীর ভাব, অতএব তাহারই আশ্রয়। আবার তার মধ্য দিয়ে বললেন কি শুধু রাধারানীর আশ্রয় নাই, রাধারানীর যে নিরজন মন যে তাদের যদি আশ্রয় গ্রহণ করে যেহেতু তাদের হৃদয়ের মধ্যে রাধারানীর ভাব আছে, অতএব সেই আশ্রয় জাতীয় ভাবের কিছু কম পেতে গেলে আমাদের গুরুবর্গকে আশ্রয়। সেই জন্য এই সমস্ত বক্তব্য বিষয়ে রাখলেন যে কৃষ্ণ প্রেম যে মহাপ্রভু অবদান সেই বিষয়ে তিনি বর্ণনা করেন। আমি হব
श्री भक्ति प्रबंध तीर्थ वहाँ है, उनसे हम निवेदन करेंगे बिल्कुल अपनी कथाओं में प्रकाश करें। কৃষ্ণ প্রেম পেতে হবে, মহাপুরুষ
के जीवने সেটা আচরণ করে দেখালেন। এই গুপ্ত আবশিন্ধু ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু হেন ধন বিলাইল সংসারে নাহি জানি থানা স্থান যারে তারে কইল ধন মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি। এই গুপ্ত আবশিন্ধু যেটা তোমরা পান না এই কৃষ্ণ পেয়ে তিনি প্রদান করলেন তাকে তাকে জানি তারে কইল ধন মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি। এর জন্য ভূষণ পাঠ করলেন নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে। মহাপ্রভু মহাবদান্য কেন মহাবদান্যায়? সবচেয়ে বেশি দাতা সবচেয়ে বেশি তিনি দিয়েছেন তিনি মহাবদান্য হতে পারেন। আর মহাপ্রভু সেই মহাবদান্য কেন? তিনি কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে তিনি অন্য কিছু দিকে আসেন নাই। শুনলাম তিনি কৃষ্ণ প্রেম, আমরা শুনলাম এই সাধ্য সন্তপ্তে তিনি সবকে পাচ্ছ এহ পাচ্ছ এহ এহ পাচ্ছ করে সেই জ্ঞান শূন্য ভক্তকে বলেন এ হয়। তারপরে আদি মহার আদি মহার বলতে বলতে সেই সেই প্রেম ভক্তকে সর্বসাধ্য সার বললেন এবং বললেন মানে তিনি আর জগতে দিয়ে গেলেন আমানন্দের সংবাদের মাধ্যমে তিনি জগৎকে এই যে দুর্লভ বস্তু তিনি দিয়ে গেলেন না নিজে আচরণ তিনি নিজে আস্বাদন করে আপনি করে আস্বাদন শিখাইল ভক্তগণে এবং প্রেম চিন্তামনে প্রভুধ্বনি আপনি করে আস্বাদনে মহাপ্রভু। অথচ লোকে বলে মহাপ্রভু কি দিলেন কোথায় তিনি তো স্কুল বাড়ান নাই কলেজ বাড়ান নাই ইউনিভার্সিটি বাড়ান নাই হসপিটাল বাড়ান নাই মহাপ্রভু কি দিলেন নাকি? সাধারণ যারা ধর্ম প্রচার করে সাধারণ মানুষ যারা এসব বোঝে না তাহলে মহাপ্রভু এসব দেন নাই কি দিন এই গৌরী মঠ কি দেয় খালি হরে কৃষ্ণ হসপিটাল করে না ওষুধপত্র দেয় না দেখুন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অচলি করছে সমাজ সেবা করছে কিন্তু মহাপ্রভু কেন কৃষির জন্য এসেছেন ওই ভাত কাপড় দেবার জন্য মহাপ্রভু আসেন নয়? প্রেমানন্দ ভক্ত প্রেমানন্দ বলছেন এমন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর হেন অবতার হবে কি হয়েছে হেন প্রেম প্রচার এমন অবতার আর হয় নাই এমন প্রেম প্রচারণ লীলা আর হয় নাই। তিনি আজ ভবগিরিঞ্জিল বাঞ্ছিল যে প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি কাঙ্গাল পাইয়া খাইল নাচিয়া বাজাইয়া করে দালি। আর দেখুন কত বাঙাল পৃথিবীতে ছুটে এসে শুধু ভারতবর্ষে নয় সারা পৃথিবীর কত মানুষ তারাও ছুটে এসে কিসের ডাকে তারা এসেছে মহাপ্রভুর এই অবদান কৃষ্ণ প্রেম পাওয়ার জন্য। সেটা আমি তো বুঝাতে পারবো না কৃষ্ণ প্রেম কি জিনিস যদি হয় তাহলে তারা বলতে পারেন আমি বুঝতে চাই। যেটা ব্রহ্মা শিব যেটা বাঞ্ছা করেন ভবগিরিঞ্জির বাঞ্ছিল যে প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি আর কাঙ্গাল পাইয়া খাইল নাচিয়া বাজাইয়া কর তালি। আর কাঙ্গাল তারা কৃষ্ণ প্রেম পাওয়ার জন্য কৃষ্ণ নাম বলবার জন্য ছুটছে বৈষ্ণবের পিছনে পেছনে আমার কিছু আছে তাহলে আসবে কেন তারা এই বিষয়ে আসবে কেন কিছু আছে বোঝা যাচ্ছে মহাপ্রভু সেই গিরি জগতে ঢেলে দিলে কাঙ্গাল যারা কৃষ্ণ নামে কাঙ্গাল কৃষ্ণ প্রেমে কাঙ্গাল হয়েছে তারাই আর সেটা পেয়ে যাচ্ছে অন্যেরা পাচ্ছে না। হাসিয়ে কাজিয়ে প্রেমে করা করি পুলকে বেদির অঙ্গ চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলা করি কবে পাচ্ছি এই রঙ্গ। আজ আমরা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি আর চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলা করি এই হচ্ছে মহাপ্রভু অবদান। ডাকিয়ে হাঁকিয়ে খোল কর করে গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে দেখি আর সমান তরাস পাইয়ে কখন হানিল দাঁড়িয়ে প্রেমানন্দ তিনি দেখছেন দেখে তিনি সেটা বলছেন এইরকম মহাপ্রভু আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা পৃথিবীর মহায়
आज कृष्ण नाम तो उचित हमें भी कष्ट नहीं पाछी हमें जाएगा किंतु महाप्रभु के अवदान तारे के प्रेम प्रदान और लीला आज तक मिथ्या बने रहा है आज कुछ अमेरिकन कुछ रशियन कुछ चाइनीज कुछ आरोप किया किया तुरस्क छिद छिद मानुष आज इस कृष्ण नाम पड़ची आज कृष्ण प्रेम बाबा की इच्छा पड़ची वांछा पड़ची तो शुद्रां महाप्रभु यही अवदान लीला है महाप्रभु दक्षिण देशे गेले तखन तिनि कि करलेन कृष्ण 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 नाम कीर्तन राम नाम गान रम दिव्य छंद नर्तन यत्र तत्र कृष्ण नाम दान लोक निस्तर प्रेम धाम देवमिह नवमी गोय सुंदर प्रेम धाम देवमिह नवमी गौर सुंदर अनेक वक्त आज हमें सुनब हम सकल चरण प्रणति कर वंशा कल अभी आपने श्रवण किया कि ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी जो दुर्लभ ऐसा कृष्ण प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में वितरण किया तो अभी हमारे प्रपन्न श्री भक्ति प्रपन्न तीर्थ महाराज जी ने उनका बहुत सुंदर वर्णन किया अभी हम निवेदन करते हैं हमारे पूज्य श्री धीरकृष्ण प्रभु जी आज के विषय पर नमस्तगुरुदेवाय श्रीनाथाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणमितिनामिने श्रीकृष्णलीलानुकथने सुदक्षमादार्यमाधुर्यगुणैस्तुत्युक्तम्
हम लोग साधारणतः नकारात्मक ऊर्जा को ही सकारात्मक समझ बैठते हैं। जैसे अभी वक्तागणों ने प्रवचन में भी कहा कि किस प्रकार महाप्रभु ने कहा एवं आया, जब राष्ट्र धर्म की बात आई तो महाप्रभु ने कहा एवं आया, जब कर्मार्पण की बात आई तो महाप्रभु ने कहा एवं आया। तो हम कर्मार्पण करें भगवान के चरणों में, वो भी ऊर्जा व्रत का पालन नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, वो भी विष के समान महाप्रभु ने उसको भी अस्वीकार कर दिया है। और दूसरा, हम राधा कुंड के तट पर बैठे हैं, ब्रज में राधा कृष्ण के मिलन स्थल के रूप में बहुत से स्थान प्रसिद्ध हैं, बरसाना, जावट, प्रेम सरोवर, मान सरोवर, सेवा कुंज, इनमें भी राधा कुंड है ये सर्वोच्च स्थान है। इस स्थान की ध्वनि कणों की महिमा हमारी सारी गुरु परंपरा ने गाई है। आज का विषय क्या है? महाप्रभु द्वारा पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्रदान। पंचम क्यों कहा गया? इससे पहले चार पुरुषार्थ और कहे जाते हैं, वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम तो आसानी से परमार्थ जगत में अस्वीकार किए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई अधिक उपयोगिता नहीं है। जहां आत्मधर्म की बात आती है वहां से सकारात्मक ऊर्जा प्रारंभ होती है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो प्रारंभिक कहां से हो रही है? आत्मधर्म से। और धर्म, स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म, इसका संबंध किससे है? शरीर से है, आत्मा से नहीं है। फिर अर्थ, पैसा, संपत्ति किस लिए चाहिए? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? ये भी शरीर के लिए चाहिए, इसलिए इसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है। काम वासना है, ये भी परमार्थ में बाधक है, ये भी अस्वीकार है। फिर मुक्ति को क्यों अस्वीकार किया गया? मुक्ति में सेवा सुख नहीं है, खाली कष्टों से निवारण ही तो मुक्ति है, उस मुक्ति को यहाँ पर अस्वीकार किया गया। तो समुद्र मंथन हुआ, हम लोगों ने भागवतम में देखते हैं कि देवासुर संग्राम से पहले समुद्र मंथन हुआ, और उसमें पहले पहल क्या निकला? पहले पहल विष निकला, उसके बाद ऐरावत और उच्चैःस्रवा और बड़े बड़े रत्न, और अंत में जाकर क्या निकला? अमृत। उसी प्रकार पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्रदान करने के लिए महाप्रभु किससे संवाद कर रहे हैं? राय रामानंद से संवाद कर रहे हैं। हमारे गुरु जी कहते थे कि जो ये राय रामानंद संवाद है चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत, ये महाप्रभु की महावदान्यता को सिद्ध करता है। अवतार बहुत से आते हैं, भागवत में कहा है ना, अवतारा ही असंख्य अरे सत्वनिधे, असंख्य अवतार आते हैं, समुद्र की अनपरत तरंगों की तरह अवतार आते हैं, किंतु क्या इसलिए आते हैं? परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुर्शतना, साधुओं का उद्धार करने के लिए। प्रेम प्रदान करने की बात अभी बाद में आएगी, पहले तो उनका उद्धार करो, किससे? असुरों से। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। कौन से धर्म को संस्थापन? क्या आत्मधर्म को संस्थापन करने आते हैं या वर्णाश्रम धर्म को संस्थापन करने आते हैं? मूल तो वर्णाश्रम धर्म है, वही नहीं होगा तो वो एक भित्ति नहीं बनेगी जिससे परमार्थ यात्रा प्रारंभ हो। तो जितने भी अवतार आते हैं, कल्कि, वामन, वराह, मत्स्य, कुर्मा, नरसिंह और परशुराम, ये लोग क्या करते हैं? परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृता। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते हैं, ये प्रेम भक्ति प्रदान करते तो हैं, काकुशुद्धि को की, सुदीक्षों को की, शर्भंगों को की,
किंतु वो प्रेम भक्ति कैसी थी, वो वैदिक भक्ति तक ही रहा है, दोनों हाथों से दान नहीं कर पाए। इसलिए अभी भगवान और भी कुछ देना चाहते हैं, तो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में आते हैं, किंतु कृष्ण पुत्र किसके हैं, भोग के हैं, मुक्ति ददाति करेंगे इसमें ना भक्ति होगा, कोई भक्ति मांग बैठे तो सोच में पड़ जाते हैं, वो भी दोनों हाथों से भक्ति को प्रदान नहीं कर पाते। ब्रज में लता पताओं को प्रेम दे देंगे, किंतु साधारण जीवों को दोनों हाथों से कृष्ण भी भक्ति प्रदान नहीं करते। फिर महाप्रभु चैतन्य पंचम पुरुषार्थ प्रेम जो प्रदान करते हैं वो किस रूप में प्रदान करते हैं, इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रेम निर्यास, प्रेम रस निर्यास त्वरित आस्वादन, राग मान भक्ति लोके त्वरित प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एक तो ही होते हो इच्छा। तो महाप्रभु प्रेम रस निर्यास आस्वादन करने के लिए आए, किंतु साथ ही साथ उन्होंने नाम संकीर्तन के माध्यम से क्या प्रदान किया, राधा दास्यम प्रदान किया, मंजरी भाव प्रदान किया। पंचम पुरुषार्थ प्रेम की भी जो पराकाष्ठा है उसको प्रदान किया है ना, जैसे समुद्र में से बहुत से रत्न निकले, महाप्रभु कहते गए एहो भाय है, फिर साध्य वस्तु के रूप में महाप्रभु ने किसको स्वीकार किया, ज्ञान शून्य भक्ति, जहां पर ज्ञान के प्रति आग्रह नहीं है और साधक क्या कर रहा है, तस्मिन् महान मुखरितम मधुबीज चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता श्रवंती है, अब वो हरि कथा को गाढ़ कर्णों से सुन रहा है, इन हरि कथाओं में कैसे कैसे रत्न निकलते हैं उनको ग्रहण कर रहा है, और उस पुरुषार्थ को जो महाप्रभु देने आए हैं पंचम पुरुषार्थ प्रेम, उसको पाने की उसमें योग्यता आ रही है, अभी उसे भक्ति मिली नहीं है, किंतु महाप्रभु ने कहा एहो भाय। लेकिन अब महाप्रभु और उच्च अधिकार के बारे में भी सुनना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं आगे कहो। और तो राय राय रामानंद ने सख्य प्रेम, दास प्रेम, वात्सल्य प्रेम, कांत प्रेम सबके बारे में बताया, शांत रस के बारे में क्यों नहीं बताया, शांत प्रेम के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो पहले ही ज्ञान मिश्रा भक्ति के अंतर्भुक्त आ चुका है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। अगर कोई समदृष्टि हो जाएगा और आसक्ति शून्य शून्य हो जाएगा संसार से, तो वो भगवान की भक्ति प्राप्त करने का पात्र बन सकता है, अभी उसे भी भक्ति प्राप्त नहीं हुई, किंतु शांत रस चूंकि उसके अंतर्भुक्त हो गया इसलिए शांत रस के बारे में महाप्रभु ने नहीं पूछा और राय रामानंद जी ने नहीं बताया। और अंत में आकर के महाप्रभु ने जब कांत प्रेम के बारे में सुना तो और आगे पूछने की बात कही, तो रामानंद जी इनसे भी आगे कोई पूछने वाला है, मेरे को तो आज तो कोई जगत में मिला नहीं था, आप निश्चित रूप से स्वयं भगवान हैं। वहां पर जाकर के जो पंचम पुरुषार्थ रूप प्रेम है उसकी पराकाष्ठा जो साधक के लिए उपलब्ध हो सकती है मंजरी भाव के रूप में, वहां पर प्रदान करने की बात आई। यही कहकर के मैं अपने वक्तृता को विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत से वक्ता लोग हैं और समय भी हो चला है। गौर प्रेमानंद अभी आपने सुना है कि श्री राय रामानंद जी के प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संसार के सभी चीजों को छोड़ दिया, जो दूसरे दूसरे आचार्य मुक्ति तक वर्णन करते हैं और अंत में भक्ति की बात लाते हैं तो वही भक्ति उससे आगे नहीं।
परंतु जहां पर राजानुगा भक्ति राजानुगा में भी विशेष करके रूपानुगा भक्ति ऐसे जो भक्ति प्रेम भक्ति के विषय में वर्णन हुआ और रामानंद संवाद के द्वारा सभी चीजों को पीछे हटाकर राधा प्रेम को सर्वोत्तम रूप में दिखाया और उस भाव को उन्होंने जगत में प्रकाश किया स्वयं आस्वादन किया। इस प्रकार बहुत सुंदर रूप से आपने विवेचन दिया है। अभी हमारे पूज्य श्री भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी आपके सामने इस विषय में प्रकाश करेंगे। श्री श्रीधर महाराज जी हरि बोल ओ मैं ज्ञान से निरामदस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे भक्त बोलो बल हरे नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिपाद कर समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज जो विषय वस्तु है श्री मथुरानाथ दास बाबा जी महाराज बहुत बढ़िया उन्होंने विषय रखा है और ये ऐसे के विषय है आप जिस दृष्टिकोण से बोलो ये विषय में सारे शास्त्र का निचोड़ आ जाता है। कहते श्रीमान महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम का प्रदान किए है कहते इसका विषय से वैशिष्ट्य क्या है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते एक श्लोक को द्वारा माता जी के चंदन दिखे ना बस पढ़ो चंदन दिया हो तुम बस चंदन अभी बसो बसो मन बसो सवाई चंदन आज हरे कृष्ण। इसलिए कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए एक श्लोक को द्वारा श्रीमान महाप्रभु का जो महाबदान्य है जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं नमः महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर दुसना। जो उनको केवल बदान्य नहीं उनको नमः महाबदान्याय जितने सारे बदान्य में सबसे उनको बड़ा बदान्य बताया सबसे बड़ा बदान्य बताया वो एक श्लोक में महाप्रभु का सारी बदान्यता को प्रदान करते हैं। वो श्लोक क्या है बोले आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काशी उपासना ब्रजवधु वर्गेण जागरिता। कभी ये एक श्लोक में श्रीमान महाप्रभु का सारे बदान्यता को प्रदान बोलते हैं। वो क्या कहते हैं हैं बोले आराध्य भगवान ब्रजेश तनय हमारे आराध्य कौन है कहते एकमात्र ब्रजेश तनय ही हमारा आराध्य है। लेकिन भैया के ब्रजेश तनय मतलब और भी कोई कृष्ण है बोले हाँ जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण एक नहीं कृष्ण तीन है।
पूर्ण पूर्णतः पूर्णतम कृष्ण है, लेकिन वो पूर्णतम कृष्ण में भी अलग अलग स्वरूप दिखाते हैं। हाँ, वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में भी, उसमें भी सख्य रस की, उसमें भी वात्सल्य रस की कृष्ण, उसमें भी मधुर रस की कृष्ण की कथा कहते हैं। वो मधुर रस कृष्ण से भी कृष्ण में भी उसमें भी सख्य या कर की आपको चीज को दिखाते हैं। तब जो छयानवे करिका नायक का वर्णन से उनको स्वामी कहते हैं। इसलिए हमारा जो कृष्ण है ना, वो कृष्ण साधारण नहीं, वो ब्रज से तने में भी कितना हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। हमारा आराध्य कौन है? सब कृष्ण हमारे आराध्य नहीं, और राधा कांत है हमारी आराध्य है। तद्धाम बोले तद्धाम वृंदावन कद, उनको भी द्वारका धाम में भी है, उनका मथुरा धाम भी है, लेकिन वो रहते हैं कहाँ पर? बोले श्री वृंदावन में रहते हैं। लेकिन वृंदावन में रहने पर भी जहाँ पर श्री रघुनाथ दास कद वृंदा विभिन्न सुरम में अभी जैसे भी वृंदावन अद्भुत धाम है, लेकिन उससे श्रेष्ठ श्री रास मंडल, उससे श्रेष्ठ श्री गिरिराज गोवर्धन, और उसमें भी श्रेष्ठ रघुनाथ दास गोस्वामी कहते श्री राधा कुंडल श्री श्याम कुंड रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं। ये जितने सारे ब्रज में श्रेष्ठ धाम है, मानस सरोवर वहां पर भी, मान सरोवर भी है वहां पर, श्री जस उद्धव कियार भी वहां पर है, वहां पर प्रेम सरोवर भी, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ये सारे ब्रज मंडल का सारी महिमा को एकत्रित करने पर हम लोग जो राधा कुंड में बैठे हैं, कभी इसकी महिमा को सामने एक बूंद का बराबर भी नहीं कर सकते हैं हम जहां पर से राधा कुंड में बैठे। ये बातों को कौन बताए? बोले महाप्रभु कहते हैं। इसलिए कहते भैया इसका प्रमाण कौन है? इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत प्रमाण अवलब। ये प्रमाण ही श्रीमद् भागवत ही इसका अमल प्रमाण है। इसलिए प्रभु जी अभी एक श्लोक कह रहे थे जिसमें कहते धर्म प्रजीत कैतवत्र परम निर्मत शरणाम सदा। दुनिया में ये धर्म अर्थ काम है ये चीज को ही जानते हैं, लेकिन जहां पर प्रजीत मतलब होता है, जहां पर प्रतिष्ठा रूप में ये धर्म अर्थ काम का बात ही छोड़ दो, जहां पर मुक्त बात वहां तुच्छ कर दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते मोक्ष की बात ही छोड़ दो, जहाँ पर सालुक्य शास्त्री सारुक्य और सामिप्य ये जो चार तरह का जो मुक्ति है, कहते दीयमान अपिन गृह्णति मत सेवक मत सेवन बिना। इसलिए मेरे भक्त इसको नहीं चाहते, ये सब चीजों को है, ये सब चीज को नहीं चाहते हैं। इसलिए ननाक प्रेष्टम न पार प्रेष्टम न सार्वभौम न साधिपत्यम। वो क्या चाहते हैं? विरह, जैसे ब्रज गोपियां कृष्ण विरह में जो विरह है, महाप्रभु जो विप्रलंब भाव को देने के लिए आए थे, वो चीज को स्थापित करते हैं। इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भी श्री सनातन गोस्वामी वो तो अद्भुत बात कहते हैं, अद्भुत बात कहते हैं। कहते इसमें भी पांच तरह का भक्त जो उन्होंने बृहद भागवत ग्रंथ में उन्होंने भी पांच तरह का भक्त का नाम लिया है, एक ज्ञानी भक्त, एक प्रेमी भक्त, एक प्रेमा पर प्रेमा, तो पांच तरह का भक्त का नाम लिया। जहां पर श्री नारद जी, जितने भी सब भक्त भक्त हैं, लेकिन नारद जी को कहते नर मतलब होता है रस है, और द मतलब सबको जो रस प्रदान करते हैं। इसलिए नारद जी जितने भी सब जानते हैं सर्वश्रेष्ठ रस क्या है, ये ब्रज रस है, उसमें श्री गोपी और श्रीमती राधा रानी का भाव ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन नारद जी कौतिकी है। इसलिए ये चीज को स्थापन करने के लिए श्री नारद जी एक एक भक्तों के पास में जा जा करके उन्होंने परीक्षा लेते हैं, और पहले श्री हाँ वहां पर तो बहुत कुछ बात बताए, कहते सर्वश्रेष्ठ श्री प्रह्लाद के पास में जाते हैं जो ज्ञानी भक्त हैं, जिनको हम लोग जय देते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ श्री भक्त श्रेष्ठ श्री प्रह्लाद महाराज की, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ प्रह्लाद महाराज की हम जय देते हैं, लेकिन भक्ति जगत में सबसे उनको दिया गया है, सबसे उनको। इसलिए ज्ञानी भक्त से फिर जाते हैं, उसको पास में जाते हैं वो शुद्ध भक्त, फिर किसको पास में? फिर श्री अंबरीश महाराज को पास में जाते हैं, वहां पर कैसे एकाग्रता से इंद्रियों को द्वारा कैसे कृष्ण भक्ति को उन्होंने करते हैं, स्वर्ग राजा होते हुए भी
सारे राज राज्य मंत्री को कर देख के वो स्वयं एकादशी इंद्रियों को द्वारा कैसे कृष्ण आराधना करते हैं, और जिसको स्वयं दुर्वासा ऋषि जैसे व्यक्ति भी हैं जिनको परीक्षा करना है तो उनको भी ब्रह्मलोक सीप लोग उनको भी वैकुंठ लोक को जाना पड़ा। उसको बाद में फिर दिखाते हैं प्रेमी भक्तों को दिखाते हैं, प्रेमी भक्त में कौन आता है कहते श्री हनुमान जी आते हैं। इसलिए कहते हैं ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इतने जो भक्त श्री हनुमान जी हैं जो दिन रात जो राम की सेवा करते हैं हैं वहां तक भी जाते हैं, लेकिन उसको बाद हनुमान को पास में जब गए हनुमान जी कहते मेरे को भक्त कहते हो, अरे भक्त देखना तो जाओ पांडवों के पास में जाओ देखो उनका भक्ति कैसे, हम तो स्वयं प्रभु का सेवा करते हैं वहां पर उल्टा भगवान स्वयं भक्तों की सेवा भगवान खुद करते हैं। भगवान होते हुए भी श्री अर्जुन का किस रथ को वहन करते हैं, जहां पर विष्णु ब्रह्मांड जिसको हाँ जिसका आदेश पालन करते हैं, लेकिन वहां पर अर्जुन क्या कहते हैं सेना रुभय मेरे रथ को लेकर बीच में खड़े कर दो, स्वयं दूध बनकर वीर की जाते हैं कृष्ण स्वयं हाँ दूध बन जाते हैं, स्वयं कृष्ण स्वयं रखवाली बनते हैं। हर तरह से ये कैसे पांडवों की सेवा करते हैं, जब पांडवों के पास में जाते हैं कहते हमें भक्ति कह रहे हो भक्त, हमारे पास में भक्ति का तो भाई नहीं, भक्त देखना है ना बोले किसको पास में जाओ बोले श्री उद्धव जी को पास में जाओ हाँ जो उद्धव जी को पास में जाओ, उद्धव इतने बड़े भक्त हैं जिनके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव ज्वनिर न शंकर नैव श्री नैव आत्मा जथा भवान, तू मेरे जितने प्रिय है ना इतना प्रिय मेरे बेटा ब्रह्मा भी नहीं, उतना प्रिय मेरे हरिहर एकात्मा शंकर भी नहीं, इतना प्रिय मेरे हाँ मेरे पत्नी भी नहीं, उतना प्रिय मेरे बलदेव प्रभु नहीं, उतना प्रिय मैं भी मेरा स्वयं नहीं। इसलिए इतने श्री उद्धव जी कभी सर्वश्रेष्ठ भक्त का अंतिम जो जोर है ये उद्धव है, लेकिन यही उद्धव को पास में जब गए नारद जी, उद्धव जी ने कहा नारद जी पहले मैं यही सोचता था कृष्ण का अगर सबसे कोई प्रिय भक्त है ना मैं हूँ, क्योंकि उद्धव जी कौन है बोले कृष्णा प्रवर मंत्री कृष्ण स दैत सखा और शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सखा, कृष्ण भी जिनके जिनसे कोई काम करने के लिए जिनसे परामर्श लेते हैं हैं परामर्श लेते हैं ये उद्धव ऐसे प्रखर बुद्धिमान उद्धव जी। लेकिन उद्धव जी को पता है पहले तो मैं ये सोचता था, लेकिन जब कृष्ण मेरे को ब्रज में भेजे और मैंने जब ब्रज में गया और ब्रजवासियों का प्रेम को देखा, पहले तो उनको वात्सल्य रस को देखा, फिर तो मैंने गोपियों को देखा, जब मैंने उद्धव की आदमी गए और वहां पर देखा कैसे श्री राधा रानी को कमल का फूल की सज्जा के ऊपर में लेटा हुआ और कैसे कृष्ण स्वयं एक भ्रमर बन करके आए और उनके चरणों के ऊपर में ये बैठना चाहते हैं, उसी समय राधा रानी कृष्ण को जो टेढ़ी मेढ़ी बात कर रही थी वो परम ब्रह्म होते हुए भी वो जो टेढ़ी मेढ़ी बात कर रही थी, मैंने जब इनकी प्रेम को देखा बोले भैया उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल ज्ञान बजाए डुबडुबी और बाजे प्रेम की ढोल। वहां पर जब राधा रानी की प्रेम की चमत्कारिता को देखा जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं एक एक श्लोक अभिजल्प विजल्प संजल्प प्रजल्प ऐसे ऐसे जब उन्होंने देखा श्री उद्धव जी जो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त वो उद्धव जी क्या चाहते हैं, इन्होंने पांच श्लोक को द्वारा अपने ब्रज गोपियों की महिमा को मैंने कहा है बोले अगर जीवन किसकी धारण करना सार्थकता है ये गोपियों को अंदर में, क्योंकि जिस भाव को मैं स्वयं ब्रह्मा शंकर नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं जिनके लिए वो प्रार्थना करते हैं आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम वृंदावन की मम्मी गुलमल दोसो दिना, जहां पर उद्धव जैसे व्यक्ति यहाँ की गुलमलता औषध बिंद के रूप में जन्म ग्रहण करना चाहते हैं, जहां पर उद्धव जी कहते हैं बंदे नंद ब्रज स्त्री ना पाद रेणु अभिष्टम, इनकी चरण की एक धूल को मैं वंदना करता हूँ कौन ये उद्धव जी कहते हैं। लेकिन ये जो दुर्लभ प्रेम है जिस प्रेम को पाने के लिए उद्धव जी स्वयं कहते हैं मैं स्वयं
ब्रह्मा स्वयं शंकर स्वयं जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, लेकिन वो दुर्लभ प्रेम को श्रीमन महाप्रभु ने क्या किया है, दुर्लभ प्रेम को इतना जो दुर्लभ लक्ष्मी भी अभी तक बैठी करके विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं अभी भी वो बैठी हुई है लक्ष्मी, अभी भी वो प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन ये कलयुग में श्रीमन महाप्रभु जगत में आकर के इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं के जाबी के जाबी भाई भव सिंधु पार धन्य कलयुगे चैतन्य अवतार। इसलिए महाप्रभु को बताइए कौन है, बोले ये धन्य कलयुग, साधारण कलयुग नहीं, ये धन्य कलयुग। अब ये धन्य कलयुग में महाप्रभु ने क्या किया, जो प्रेम को पाने के लिए ये सब के सब कठोर तपस्या कर रहे हैं और पाने के लिए ललचते हैं, महाप्रभु ने किया कि आप महाराज भजन गा रहे थे ना, हे मान गौरवी ना नाही आर हे ना अवतार अबे की होए छे हे ना प्रेम पर चार दुरमती अति पतित पाषंडी प्राणी न मारिल करे हरि नाम दिया हृदय शोधिल जाति गिरा धरे घर। यदि वो दुर्लभ प्रेम को महाप्रभु घर घर में जा करके अपना झोली बिछा करके प्रार्थना करते हैं, कथा कहते अमर किनिया लह बोलो गौर हरि नित्यानंद प्रभु। कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं, महाप्रभु बोलते हैं कलयुग बेसिकली परिश्रम करते लागे ना की करता है बोले बाजा ही आप करता है कर माने हाथ ताली माने ताली जब लोग हाथ ताली दिए निताई गौर प्रेमानंदे हैं। इसको हमारे श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, हे मत कहते हैं दयाल की ताई चैतन्य बोले नाचरिया मार मन नाचरिया मार मन नाचरिया मार मन हे मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन दयाल की ताई चैतन्य बोले नाचरिया मार मन। इसलिए लखनदास ठाकुर कहते हैं मेरा मन नाच उठे, बोले क्यों जगत में ऐसे कोई अवतार हुए जो मार खाकर प्रेम दिए, वो छोटे मोटे प्रेम नहीं दिए हैं, जब छोटे मोटे प्रेम नहीं दिए इसलिए हमारे श्री जितने कहते उन्होंने रूपानुगत को प्रदान किया है, रूपानुगत को प्रदान किया, इसलिए श्री इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं आददानम श्रीनम दंते रिदम जाचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदम भज धूलि स्वाम जन्म जन्मनी श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम जलासीसो पदाति। इसलिए महाप्रभु का जो मनोभीष्ट को किसने स्थापित किया, हमने से रूप गोस्वामी ने स्थापित किया, इसलिए जितने हमारे पूर्वज हुए हैं सबके सब एक ही चीज प्रार्थना करते हुए क्या थी रूपा उगत, जैसे श्री भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं सुनी आचि साधु मुखे बोले सर्व जन श्री रूपा कृपाए मिले जुगल चरण। रघुनाथ ठाकुर क्या कहते हैं रूप रघुनाथ पते हरि वे अकोटि कबे हम बोझ बसे जुगल कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते क्या कहते हैं रूप रघुनाथ पते रघु मोर आस चैतन्य चरिता मृत कहे कृष्ण का। जितने सारे एक ही चीज रूपानुगत हो, बोले भैया रूपानुगत नहीं क्या क्या चीज है, फिर सबके सब प्रार्थना करते हैं, कारण क्या बोले कारण है एक उदाहरण देते हैं, अगर कृष्ण को प्रश्न कर भैया तुम कौन हो, वो एक ही बात कहेंगे मैं आत्मा राम और आपका नाम सर्व कार्य का कारण। लेकिन जब से राधा रानी से पूछो भैया तुम कौन है, वो सीधा श्री श्याम सुंदर के कहेंगे हम तो श्री श्याम सुंदर के सेविका है। लेकिन जब ललिता विशाल को बोले भैया तुम कौन हो, वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे हम श्री जुगल का राधा कृष्ण प्राण और जुगल की स्वर जुगल की हम सेविका। जब जब रूपों में जिनको पूछो तुम कौन हो,
वो बोलेंगे ये सब का सेवक हम है। लेकिन जब श्री कपाल मंजरी को पूछा तुम कौन हो भक्त विनोद ठाकुर, बोले ये सब का सेविका मैं हूं। लेकिन जब श्री प्रभुपाद को पूछो नयन मणि मंजर को क्या बोलेंगे, बोले ये सब का सेवक मैं सेविका मैं। लेकिन जब उसमें हमारे गुरुवर्ग को जब पूछो वो क्या बोलेंगे, बल्कि इनकी सबके सबके दास के दास के दास है। लेकिन इसी जगत में जैसे गजरा गजरा लेकिन भक्ति जगत में ऐसे नहीं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं पद्यावली में कृष्ण को जो आनंद मिलता है, अभी सुन रहे थे ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा राधा रानी को आनंद मिलता है। अभी राधा कृष्ण को जो रस है आनंद है जो किसको मिलता है, श्री ललिता विशाखा को सारे आनंद है, रूप गोस्वामी को रूप मंजरी को ये सारे आनंद इनको प्राप्त होता है। ये भक्ति जितने नीचे उतरते उतरते जाता है ना, वो रस उतना बढ़ते 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 जाता है। और जो लास्ट जो व्यक्ति है वो सारे रस नीचे जो व्यक्ति उनको सारे रस की प्राप्ति होती है। इसलिए महाप्रभु जो प्रेम जगत में देने के लिए जो मंजरी भाव देने के लिए यही का विशेषत्व है। सबका जो सेवक सबका जो आनंद है, जो नीचे व्यक्ति उनको सारे आनंद भी प्राप्त होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी मंजरी भाव में रसास्वादन करते थे। जब महाप्रभु समुद्र में छलांग लगाए, जब जाली में उठे, महाप्रभु क्या कह रहे हैं, मैं तो राधा कुंड में हां वहां पर तो राधा कुंड में जुगल सरकार जल विहार कर रहे थे, मैं देख रहा था मेरे को क्यों बुलाए। मतलब महाप्रभु भी मंजरी भाव में महाप्रभु भी तदात्म होकर के वो भाव को महाप्रभु स्वयं आस्वादन करते हैं आनंद। इसलिए कलयुग में कृष्ण राधा जी के भाव अज्ञात क्यों लिए, कारण यही है राधा रानी के प्रेम को आस्वादन कर दो क्या है, मेरे से करोड़ों गुना ज्यादा आनंद है इसी चीज को। इसलिए श्रीमद महाप्रभु उसकी एक बोध जो दिया है, उसका एक छिटा बटा जो दिया है, इसलिए महाप्रभु को नम महावदान्याय। जितने वदान्य में सर्वश्रेष्ठ वदान्य कौन है, श्री सचिनंदन श्री गौर हरि, इनके जैसे वदान्य जगत कोई नहीं है। इसलिए आज हमारे बाबा जी महाराज जी जो विषय वस्तु रखा है वो सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उसका जो मूल है सेवा है, केवल सेवा और कुछ नहीं। जो जितना छोटा बनेगा ना, छोटा बनेगा जैसे घर का छोटा बच्चा है, जितना ही सबको सेवा उसको मिलता है, सब उसका आदर देते हैं, बड़े व्यक्ति को ज्यादा भी नहीं पूछते हैं। इसलिए बड़े बनने पर लाभ नहीं, घर का जो छोटे ये मंजरियों को इतना श्रेष्ठ क्यों बताए, कारण है यदि प्राण प्रेष्ट सभी कुला कभी की असोच की भूमिका, कारण यही है जो सेवा में ललिता विशाखा भी जिस निकुंज में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ये छोटी छोटी होने का नाते वो अंदर में प्रवेश करके राधा गोविंद की सेवा करते। मेन है सेवा, सेवा के बगैर भैया सेवा नहीं मिलेगा। इसलिए सेवा ही जीवन का मूल है, जो जितने सेवा प्राप्त होता है उसको उतना ही सौभाग्य। इसलिए आज ये महाप्रभु का ही सर्वश्रेष्ठ अवतार, इसलिए गुरुवर्ग हम सभी को ऊपर में कृपा करें, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। भक्तिमान ठाकुर एक विशेष बात कहते हैं, महाप्रभु धारा में जो आए ना, महाप्रभु जो धारा में आए कभी जैसे केवल कृष्ण को जो भजन करते हैं केवल तो उनको सिद्धि प्राप्ति में गोलोक वृंदावन प्राप्ति होगा, लेकिन महाप्रभु का धारा में जो भजन कर रहे हैं ना, उनको दोनों हाथ में लड्डू है। भक्तिमान ठाकुर कहते हैं जब उनको स्वरूप सिद्धि प्राप्ति हुई कि वस्तु सिद्धि में एक साथ में उनको राधा कृष्ण की सेवा रस में प्राप्त होगा, जैसे रूप मंजरी जैसे ललित श्री ललिता विशाखा जी, लेकिन एक साथ में उनको कहां पर महाप्रभु धाम में जैसे श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी स्वरूप दामोदर है, इनको एक साथ में दोनों प्रकोष्ठ में जाकर उनकी सेवा प्राप्त होगा, यही महाप्रभु की विशेष विशेष महत्व है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग हम सबको कृपा करें, उसका एक छिटा फोटा अगर हमारे आस्वादन का विषय होगा हमारे जीवन में निकल जाए। हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को विश्राम करता हूँ। बच्चागल गुरुवर्ग से कृपा अभी आपने श्रवण किया श्री चैतन्य महाप्रभु जी की महावदान था। उन्होंने स्वयं विप्रलंब भाव का आस्वादन किया, इस रस चमत्कारिता का आस्वादन करते हुए जगत को सिखाया दिखाया।
उनमें भी विशेष अवतार हमारे जितने भी गोस्वामी गुरुवर्ग क्रम परंपरा की धारा में राधा जी के भावों को जहां श्री रूप गोस्वामी आदि ने ग्रहण और उसी को ही व्यक्त किया हमारे सभी गुरुवर्ग इस प्रकार उन गोस्वामियों के जो मंजरी भाव के अनुगत उन सब का अनुगत होकर महाप्रभु जी के जो महाउदार महाबलन प्रदान महान प्रेम उसको जगत में उद्घोषित किया और उसके पुजारी बने उस रस के रसिक ऐसी कथाएं आपने श्रवण की अभी हमारे मध्य में प्रधान अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे पूज्य श्री भक्तिवेदांत पर्म आराध्य आपके सामने प्रकाश करेंगे विशेष जिसमें आलोच्य विषय रखा गया
श्रीमान महाप्रभु का पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्रदान, कितने सुंदर विषय वस्तु है। और सभी वक्ताओं ने बहुत सुंदर रूप में महाप्रभु की दाता शिरोमणि उसके ऊपर आलोच्य विषय के लिए विस्तृत करके बताया। जब वही कृष्ण ही गौरांग के रूप में अधुना आए, तो सही कृष्ण अंतर कृष्ण वही कोई विशेष कारण से ही कृष्ण राधा के भाव और काम के लेकर के अधुना अभी गौरांग के रूप में प्रकट हुए। इसके ये अंतरिंग अंतरंग जिससे हमारे सर्वदामोदर अपने श्लोक में बताया कि किस प्रकार वही कृष्ण राधा के भाव और काम के लेकर के आए हैं, जिसके चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की प्रकट के बारे में भी बताया गया, और जिसमें महाप्रभु के आविर्भाव के प्रधान कारण भी दिखाया गया। जब भी दो कारण दिखाए, एक मुख्य कारण और एक गौण कारण भी दिखाया। गौण कारण आदि में जिसमें उसुर स्वभाव आदि भी दिखाया गया, और ये दिखाया गया नाम प्रेम विचार, और मुख्य कारण में दिखाया सदाया सदाध्या। इस श्लोक को भी सुंदर रूप में विस्तारित करके दिखाई, और अद्वैत आचार्य के आह्वान क्योंकि जितने बड़े भक्त होते हैं उस बड़े भक्त की आरती और उनकी पुकार सुनकर के स्वयं भगवान नित्य धाम गुर धाम से इस जगत में प्रकट, जिससे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहने लगे सुति आचिन अमी खीर सार लगे तेरे मोर निद्रा भंगिल नड़ा रो भूम दारे। ये नड़ा अद्वैत आचार्य जिसने मुझे नड़ा बने मुझे हिलाया, हो सकता है कुछ हिम्मत देख बात आते महाविष्णु और सदाशिव, तो ऐसे अद्वैत आचार्य की पुकार सुनकर के और कृष्ण के पानी है। किंतु जो मुख्य कारण जो दिखाते हैं, मुख्य के मुख्य जो कारण दिख रहे हैं, सिरा दया प्रेम प्रणय महिमा विदिशो वाणी वा संतोषजनम धर्मा सुखं च मधुं विदुत व्यक्ति लोभात तद भाव रस मोजन सुचि गर्व सिंधु। ये तीनों भी इसमें दिखाया कि कृष्ण लीला में कृष्ण विचार कर रहे हैं मेरे मधुरिमा क्या है, क्या जो सदा सर्वदा श्रीमती राधिका मेरे सुंदर जो माधुर्य के आश्रय कर श्री राधा प्रणय महिमा सत्य के प्रणय महिमा है कैसे कृष्ण लीला में पूर्ण रूप से मैं आश्रय मेरा अंग की सुगंध देखकर सब लोग आकर्षित होते सुगंध भी देखते हैं, किंतु राधा के अंग की सुगंध जो मैं आश्रय कर हूं मैं स्थिर नहीं रहा, मेरे सुंदर रूप देख करके सभी आकर्षित, किंतु राहत के ऐसे सुंदर रूप देख करके मैं भी पीछे है राहत के वो है कैसे वस्तु, इसलिए मुख्य के मुख्य जो है श्री राधा प्रणय महिमा की सुभा मेरे मधुर मां का, और वह मेरे मधुर मां के संग श्रीमती राधिका आश्रदन करके उनकी क्या अनुभव है ये रसगुल्ला होता है। किंतु रसगुल्ला जब हम खाते हैं आस्वादन जब हम करते हैं, ये आस्वादन जो हम किया उसके कैसे व्यक्त कैसे जैसे गूंगे व्यक्ति जो बोल नहीं पाते उसके यदि कहा जाए वे रसगुल्ला कैसे था वो क्या कहे, इतना ही कहे वो बोल नहीं पाए, बोले प्रेम की ऐसी वस्तु है जिसकी व्यक्त करना संभव नहीं, वास्तविक शब्द है। इसलिए कृष्ण इसी के विचार कर रहे हैं, जब तक कृष्ण विचार करने लगे मैं किसा विक्रम
किंतु श्रीमती राधिका आश्रय आश्रय मित्र की जब उस समस्त ग्रहण नहीं करे वास्तव रूप में वस्तु के आस्वादन करना कभी संभव नहीं। यही विचार करके कृष्ण नित्य गुरु वृंदावन धाम से और भाव ये दोनों के चोरी कर राधिका भाव कांति राधिका भाव कांति चोरी करी कृष्ण अवतीर्ण होइलो गौर रूप धरी। ये तो महाप्रभु की अंतरंग कथा है। जैसे अभी अभी हम के मन में सायंकाल में जो प्रवचन हो रहे हैं शिल महाराज देख तो महाराज इतनी सुंदर गजब करके ऐसे बोलते जा रहे हैं। ऐसे कोई श्रोता नहीं है जिसके हृदय द्रवित मैं देखा कुछ दिखाता हूँ महाराज जी इतने सुंदर भ्रमर गीत की कथा श्रवण करा रहे सभी श्रोता रोते जा रहे सबके हृदय महाराज स्वयं रोते हैं और दूसरे की भी रुला रहे हैं। क्यों मैं तो पता ही नहीं महाराज क्यों रोते है क्या चीज क्यों महाराज जी रो रहे हैं और सबके क्यों रुला रहे हैं महाराज जी हृदय में क्या चीज महाराज जी तो बताइए क्यों आप रोते हो सर महाराज जी जब रोते हैं आप लोग दर्शन के क्यों महाराज जी कितना सुंदर श्रीमती राधे के दिव्य उन्माद दशा की कथा वर्णन कर दिया है। श्रीमान प्रणय राघव राज भाव महाभाव रुरो उदिरो मोहन मदनाथ को महाभावती श्रीमती राधे की ऐसे दिव्य भाव जो उद्धव देख करके भी चकित हो अंतताः महापुरुष जो नाम
दीवान रथ और खंभ समान जगन्नाथ जी के सामने चैतन्य और महाप्रभु कैसे रूप लिए सही तो प्राणनाथ पाइनु जहां लगे मदन दहने कितने गंभीर बात और इसके भाव पे एक मात्र स्वरूप दामोदर जान देते दूसरी के और महाप्रभु कीर्तन करते थे सही तो पर संत दामोदर बार बार जिस रूप के और महाप्रभु उद्दंड होकर नृत्य करते थे और महाप्रभु के हृदय द्रवीभूत हो जाता था और महाप्रभु के आंखों से आंसू की धारा कैसे पिचकारी के भाग में सभी जन समुदाय के क्या कर देते थे और सभी प्रेम में द्रवीभूत हो जाते महाराज जी ने कृपा करके भी श्रवण कराया हम जब गए थे कहां ब्रजमंडल परिक्रमा करते के प्रेम सरोवर में महाराज जी को कृपा करके हमें श्रवण कराया जी वास्तव में प्रेम क्या चीज है कोई साधन कोई महापुरुष देने के लिए नहीं आए जो महापुरुष के अवदान विशेष का श्रवण कर रहे हैं आज कहा ये राधा कुंड के तट पर और विशेष करके यह क्या नाम इसका रूपानुग आश्रम नाम की तोराई हमारे विषय वस्तु के परिचय होता था वृक्ष के वृक्ष के वृक्ष के परिचय क्या है फलिनो परिचय यह वृक्ष और फल के द्वारा ही तुलसी पूछना नहीं पड़ता है वृक्ष तुम कौन सा वृक्ष है आम की है कठाल की है और पूछा है धारा ये चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के इसी धारा को जगत में प्रकाश कराया इसके हृदय में रूप बसे यदि रूप बसे पाद नहीं आते यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आते इस कथा को हम कहां से श्रवण करें इस श्रवण करने के पद कोई साधन नहीं कहां मिले कहां ऐसी कथा दुर्लभ देव दुर्लभ कथा जो महाप्रभु पांच साल पहले 500 साल पहले मैंने देखो जो महाप्रभु जीवों की दान करती है पशुपाति जुड़े पाषाण विदरे सुनी जा रही होना कथा हमारे नतन दास ठाकुर कहते चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रेम के अवतार जिनके नाम श्रवण करने से पशु पक्षी सभी दबी हो जाए सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न इसलिए नतन दास ठाकुर दीनहीन होकर के तब न कहना मोर ना हुई रह जाना यदि उस समय मेरा जन्म हो जाते महाप्रभु के दर्शन हो जाते तब कुछ करना नहीं अपने महाप्रभु जब झारखंड के ओर चलने लगे वृंदावन चलते चलते झारखंड के तब चलने लगे और रास्ते में कुछ से के बाद जो है सोई मध्य रात्रि घनाघोर अंधकार रात्रि महाप्रभु उठे और उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य एक ब्राह्मण महाप्रभु नाम संकीर्तन हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 चरण कमल वो जो बाग था ना उसी बाग के सिर है बाग देखो वो बाग सुनाई हुए थे और महाप्रभु के चरण स्पर्श होते ही महाप्रभु ने क्या कहा कृष्ण को बाग को ऐसे खड़े है सामने के दो पैर जो है वो उठा दिए और मुख के बदान को शायद आप लोग देखा ना बाग ऐसे जो मुख बादन करते हैं देखो बाप ने क्या कहा कृष्ण कृष्ण बलि व्यघ्र जीते लगियो देखो मनुष्य के भांति वो व्यघ्र बाप क्या करने लगे कृष्ण कृष्ण करके केवल व्यघ्र नहीं उस जंगल में जितने पशु पक्षी सभी कृष्ण प्रेम में सब रंग और सब चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे सब चल रहे कृष्ण प्रेम की महाप्रभु ऐसे महाबल जैसे अभी हुई हमारे सुंदर महाराज ने बताया नमो महावदन नाम कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोगति से सचिनंदन गौर हरि जीवों की किस प्रकार प्रेम प्रदाय इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु ने भेद सृष्टि की जारे देखे तारे दय जिसको देखा यह कभी जो छह प्रकार के व्यक्ति महाप्रभु के प्रेम ग्रहण करना नहीं चाहते थे महाप्रभु उसके पीछे पीछे दौड़े और उनके पीछे पीछे दौड़ करके उसने चोटी के पकड़ा और उनके भी प्रेम प्रदान किया सर्व भट्टाचार्य अद्वैतवाद के मूल शंकर संप्रदाय के मूल सर्व भट्टाचार्य के विचार
इसमें सर्व भट्टाचार्य वैराग्य विद्या निज भक्ति योग इस लोक में कैसे स्तुति कर और जगत की उपमा ये तो महाप्रभु के महावदन यह इतनी हमारे कथा समाप्त नहीं है महाप्रभु के प्रेम की धारा और आगे बढ़े जहां पर हम लोग ये राधा कुंड पर बैठे हुए हैं ये राधा कुंड किसने प्रकाशित किया यदि महाप्रभु नहीं होते आज हम राधा कुंड की पानी में नहीं जाते यही राधा कुंड में रहने वाले लोगों की पता ही नहीं था जब काली खेत और गोरी खेत महाप्रभु ने पूछा शास्त्र में लिखा है ये राधा कुंड और श्याम कुंड का तो ये कृष्ण का वृद्ध ने कहा हाँ ये खानी के जलधान की जो खेत है उसमें जो वो है पहले कुंड है कहते से काली खेत और महाप्रभु ने स्नान करके कहा ये कृष्ण कुंड और राधा कुंड गोरी खेत में स्नान किया महाप्रभु ने कहा ये इसलिए तो हमारे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी भी नहीं आते आज हम गौड़ीय साम्राज्य के गर्व कहा प्रकाश करते इसलिए तो हमारे नरहरि ठाकुर कहते हैं यदि गौरंग नहीं तो रवि की होई तो के मोने धोई तांचे आधार मोहिमा प्रेम रस सीमा जगती जाना तो के ये महापुरुष की महावदन बताई यदि महापुरुष प्रकट नहीं होते प्रेम की जो सर्वोत्तम सीमा राधा के प्रेम की सब लास्ट विधि का दिव्य लाभ श्रीमती राधिका वो जगत में प्रकाश कर महाभाव की जब स्थितियां क्या है जैसे से महाराज ने बहुत सुंदर शब्द बताया जो विप्रलंब भाव की एक विशेष वैशिष्ट हमारे महापुरुष जगत में दिखा ये विप्रलंब भाव के द्वारा ही हम उसको उपलब्धि कर सकते हैं अनुभव कर सकते हैं विप्रलंब जब तक हमारे हृदय में नहीं हो विरह जब तक नहीं हो वो विषय का हम अनुभव नहीं कर सकते महाप्रभु ने इसे दिखाया नवीना विप्रलंबे न सम्मुख पुष्टि मस्मृति विप्रलंब बिना मिलन की आस्वादन वो साधु साधु नहीं इसलिए महाप्रभु विप्रलंब भावों के द्वारा और विप्रलंब के अनेक प्रकार विचार विवेचन और मिलन की प्रकार कर विवाह विचार विचार उज्जमी मुनि ग्रंथ में समय संचय होने के नाते मैं विषय के जो अतीब संक्षेप में बता रहा हूँ ये चार प्रकार विरह और चार प्रकार मिलन के उसमें चार चार करके फिर आठ चार बत्तीस बत्तीस चौसठ प्रकार के जो है ये मिलन और मिलन देखा मिलन और विरह बत्तीस बत्तीस प्रकार के मिलन और बत्तीस प्रकार के विरह ये समस्त भावों की हमारे उज्जवल ग्रंथ में रूप गोस्वामी के द्वारा जगत में प्रचार वास्तव रूप में एक साधन कैसे विप्रलंब के आश्रय करे यही हमारे चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण करके और नाम संकीर्तन के द्वारा जगत में आज राधा कुंड की इतने सुंदर स्थान पवित्र स्थान ये राधा कुंड के रहने वाले व्यक्ति जो है और निवास करने व्यक्ति कोई साधन नहीं है ये कोई साधारण नहीं है अनेक जन्म की सुकृति और राधा की कृपा बिना कौन राजकुल ले सके जिससे हमारे रघुनाथ दास को श्री वर्णन करें जब किंचित रघुनाथ के मुखाम मुस्ते सो सीता आनंद मुकुंद दैत्य लीलाम गुरु परम शास्त्र वस्तु में तमे चिंतन जान जय ब्रह्मादि शक्तिय मदियम तया है हाउ सुंदर श्लोक हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इसके वर्णन करते हैं तमाम जब किंचित तिलक गुरु में टिकट मुखम ये राधा कुंड के अपराध दिव्य राधा कुंड यह पर रहने वाले जितने भी जीव है कीड़े मकड़े से बिच्छू से लेकर के सर्प से लेकर के सब राधा गोविंद की अनुकूल यानी मिलन की क्योंकि केवल विरह यदि हम हो मिलन रस आस्वादन नहीं होगा इसलिए मिलन और विरह विरह और मिलन ले लेकर के प्रेम राज्य गढ़े प्रेम राज्य में दो वस्तु है एक मिलन और एक विलोम जैसे एक कॉइन जो है मुद्रा एक रुपया वाली उसके दोनों तरफ की वैल्यू एक ही है जिस तरफ पान लिखा हुआ है और पीछे की तरफ अशोक स्तंभ लिखा हुआ है दोनों की वैल्यू उसी प्रकार विलोम और मिलन मिलन जिस जिसको मिलन है वो विलोम को अनुभव कर सकते हैं जिसके विलोम है वो मिलन का साक्षात्कार जिसके कभी मिलन नहीं हुआ वो विलोम को नहीं आ सकता
ये समझता हमारे आचार्य के पास दिखाया और ये महामंत्र की तरह चैतन्य महाप्रभु जगत जी को क्या शिक्षा दी, जितने प्रकार के भक्ति के अंग है ये संसार में सर्वश्रेष्ठ नाम निरपराधी नाम रहने के पदे नाम के द्वारा ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भजन रस ग्रंथ में इस युग सोलह नाम 32 अक्षर है और इस नाम की महिमा इतनी सुंदर दिखाया जे इस प्रकार सोलह नाम में कौन सा जुगल नाम जो है मिलन कौन सा है संभव किसमें है और किसमें विरह है ये भी दिखाया। प्रत्येक आचार्य ने इसी तरह नाम भजन प्रणाली दी सभी तो नाम करते हैं किंतु नाम भजन की प्रणाली हमारी भक्ति विनोद ठाकुर प्रथम जाम ने ये दिखाया जे नाम भजन करते करते हरे कृष्ण हम जब करते हैं और हरे राम करते हैं इसमें कौन सा नाम में मिलन है ये दिखाया। ये महाप्रभु इस पे जगत को शिक्षा दी और हम लोग भी दिखाया ये नाम भजन करते करते हृदय तृप्तना बोले चेत धर्म मार्जनम भव माह तावन निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरण विद्या जीवनम आनंद मोदि वर्तनम प्रति पदम पुण्य मृत साधनम सर्व आत्मस्नपनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन महाप्रभु ने कोई ग्रंथ रच रखा नहीं कि आठ श्लोक में एक अंतिम श्लोक जो है और इसके शिक्षा स्तर जो अंतिम श्लोक है क्या वो आश्रित स्वभाव पादरता श्रेष्ठ स्वभाव मत अतुष्ण जगा तथा वापि तो हाथ लंपटो मत प्राण नाचस्तु सर्वोत्तम इसी श्लोक की भी महाप्रीति महाप्रदन्नता ये हमें है और ये सभी के लिए हम कैसे विप्रलंब साधक के लिए विप्रलंब आपसे नाम भजन करें और नाम करते करते शतस्फूर्त रूप में अपने स्वरूप के उपलब्ध आपके है जो स्वरूप आपके है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सार्थक गुणाए श्रवणादि शुद्ध चित्ते और ये श्रवण करते करते आपके हृदय में जो पोटेंशियल है जैसे बीज में पोटेंशियल रहता है वो बीज जैसे हम मिट्टी में जब लगाते हैं पानी देते हैं और जैसे बीज अंकुरित होकर के पौधा धारण करके फिर वृक्ष होकर के जैसे पल्लवित होकर के पुष्पित होकर के फल प्रदान करते हैं और प्रकृत का फल जैसे हम आसादन करते हैं उसी प्रकार जीव के हृदय में वो वस्तु है केवल श्रवण करते करते वो विकसित होगा और प्रकाशित होगा। इस महाप्रभु ने जगत को शिक्षा दी आज सभी लोग नाम संकीर्तन द्वारा भोजन के प्रलंब भाव को आश्रय करें यही करके मैं अपने वचन के लिए पर विराम देता हूँ। अब ये आपने श्रवण আস্বাদন করে জগৎ জীবকে জানাই সেই বিষয়ে আপনারা শুনবেন। अभी आपने बड़े सुंदर रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम सचिनंदन गौर हरि तिनी होने स्वयं ब्रजविलास जी श्याम सुंदर तिनी देखे जगते বহু অবতারকে পাঠিয়ে তাহারে এসে অসুর শোনা ধর্ম স্থাপন প্রজা পালন এই সমস্ত কার্য করেছে কিন্তু প্রেম তার করতে পারে অন্যান্য অবতারগণ তাহারা ভক্তদেরকে সংসার থেকে উদ্ধার করে ভক্তিও দিয়েছে কিন্তু প্রেম প্রেম দান তো হয়
আর অন্য যত সমস্ত অসুর গণ আছে তাদেরকে মেরে সর্বসুখ পর্যন্ত দিয়েছেন, কিন্তু মুক্তিও দেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি কি করলেন, তিনি মুক্তি দান, উনি অসম্ভব মার করকে মুক্তি দিয়ে পশ্চাৎ সবক আকর্ষিত সবকে প্রেম দান। তো মুক্তি দিয়া ভক্ত অজ্ঞায় সমস্ত ভক্তগণকে আপদ করেছে, কিন্তু প্রেম দিতে পেরেছেন নিজ বিষয়ে প্রেম দান করেছে। কৃষ্ণ নিজের প্রতি তিনি আকর্ষণ করেছেন, যত ভক্ত আছে কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হয়েছে, তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়ে তারা ভক্তি করেছে, প্রেম লাভ করেছে। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ নিজেই দেখছেন অসুরগণের পরিবর্তন হল, জগজ্জীবের পরিবর্তন হল না। আমি যে বস্তু দেওয়ার জন্য আসলাম কৃষ্ণ নিজেই দেখছেন যে যত লোক আছে সবাই অস্ত্র ধারণ করে ছুটে আসছে আমার কাছে, শত্রুতা হিংসা বিদ্বেষ নিয়ে আসছে না, তাই তিনি দিয়াছেন। তিনি দেখলেন একমাত্র করুণাময়ীকে শ্রী বৃষভানন্দিনী শ্রী রাধা, তিনি হলেন করুণা। যদি রাধারানী তার নিজের করুণা কিছু জগৎজীবকে দান করে, তাহার দর্শন করে জীব কৃতার্থ হতে পারে, তবেই কৃষ্ণ প্রেমের ভাজন। একটা আপনারা শুনলেন বিষয় জাতীয় প্রেম, আরেকটি হলো আশ্রয় জাতীয় প্রেম। ভগবান ভক্তকে ভক্তি দিয়েছে, তিনি কি করেছেন নিজের প্রতি আকর্ষণ করেছেন, সকলকে প্রেম দান করে, এই হল প্রেম। তার দ্বারা কি হলো, বৈকুণ্ঠ পেল, বৈকুণ্ঠ থেকে উপরে তারা চলে গেল কোথায়, গরুর ধামে। গরুর ধামে ও রাধা গোবিন্দের সেবা তারা পেয়েছে, ঐশ্বর্য ভাবে সেবা পেয়েছে। কিন্তু মহাপ্রভু কৃষ্ণ তিনি কি দিতে যাচ্ছেন, যে আমার সেবা করতে গেলে আমাকে পেতে গেলে আশ্রয় জাতীয় ভাবকে গ্রহণ, আশ্রয় জাতীয় ভাব যদি গ্রহণ করতে না পারে জগতে, আশ্রয় জাতীয় ভাব কো গ্রহণ নেই করেকে তব তক গোবিন্দ কি সেবা নেই হো পারে। আশ্রয় স্বরূপ কোন, বৃষভানন্দিনী শ্রী রাধা। অতএব উনকে ভাব কো জগত মে প্রকাশ করনা হ্যায়, অর উসকে দ্বারা স্বয়ং চাহতে হ্যায় কি উস ভাব কা আস্বাদন। ইসলিয়ে তো রাধায় প্রণয় মহিমা বতায়া, কি রাধা জি কি প্রণয় মাধুরী কেসি, রাধারানীর প্রণয় মাধুরী ঠিক কেমন, প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব, রূঢ় অধিরূঢ় চিত্র জল্প সংজল্প আজল্প বিজল্প বিজল্প অনুজল্প, মোহন মোদন মাদক ফির প্রেম বিবর্ত, ওর দোনো একাত্ম স্বরূপ মে মিল করকে রসরাজ মহাভাব, একাত্ম স্বরূপ শ্রী গৌরাঙ্গ শ্রী গৌরাঙ্গ মহা, যো স্বয়ং রাধারানীর ভাবে বিভাবিত হয়ে তার অঙ্গ কান্তির দ্বারা সুমলিত তনু গৌর সুন্দর হয়ে আসে,
आज सही राधार महान भाव के जो होते जानाई के प्रकाश को यदि गौरांग नहीं तो तभी की वही तो क्या मने धरी काम दे राधार ये वहां प्रेम रस सीमा जो होते जाना तो भी वहां प्रभु नहीं आते तो राधा जी की प्रेम महिमा कौन जानता किसी को भी पता ही और संप्रदाय के लोग केवल विषय विग्रह भगवान की भक्ति करनी है पूजा पाठ करना है भक्ति करना है अभी आपने सुना है क्या दिया विधि भक्ति वैधि भक्ति तक लोग आगे पहुंचे वैधि भक्ति आगे हर प्रेम भक्ति संबंधित कारण धारणाएं श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं इस जगत जीव के जानाई है प्रेम राधा महिमा जगति प्रकाश सही आश्रय जातीय भाव के दिखाई दे जगत जीव जानो ये आश्रय जातीय भाव की केवल विषय जातीय प्रेम किए कि हमें मुक्ति और मुक्ति परे विधि भक्ति गुरु पर्यंत प्राप्ति প্রজনসের মধ্যে প্রবেশ হবে না যতদিন রাধিকার ভাবকে আশ্রয় না করায় নন্দিনী রাধারানীকে আশ্রয় না করলে তার ভাবকে না পেলে রসিক ভক্ত হতে পারবে না সেই কারণে মহাপ্রভু তিনি স্বয়ং সেই রাধার ভাবকে আস্বাদন করলেন জগৎজীবকে জানাই তাহলে রাধিকার ভাব এই হল অবদান রাধারানীর ভাব মাধুরী স্বয়ং আস্বাদ ব্রজলীলার মধ্য দিয়ে কি হল মিলন এবং বিরহ উভয় রকমের কথা এবং উভয় পক্ষের থেকে বিরহকে বিপ্লবকে আগে বাড়াই তাহার সর্বোত্তম মহিমা কি দেখাই ब्रजलीला में मिलन और विरह मिलन में जितना आनंद विरह में और उससे ऊपर इस विरह के प्रलंब को दिखाया और उसमें विरह के प्रलंब भाव के स्वयं आस्वादन कर कृष्ण एवं ब्रज के लीला को किंतु लीला करे हो সেই ভাবকে আস্বাদন করলেন মহাভাবকে দেখলেন আস্বাদন কিন্তু এর পরবর্তী বিরহ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রুণ অধিরুণ এবং দিব্য পূর্ণমা মোহন মোদন এবং মাদনাক্ষ মহাভাব রাধারানীর মধ্যে যাহা প্রকাশিত হয়েছে একমাত্র রাধারানীর কৃষ্ণ বললেন কি দুইজনের মন দুই দিকে সরে যায় দুই দেহ এক জায়গায় মিলছে বটে দুই মন দুই দিকে সরে যায় থাকে তো কৃষ্ণ বললে দুই দেহের মিলন শ্রেষ্ঠ না মনের মিলন শ্রেষ্ঠ দুই মন যদি এক জায়গায় দুই আত্মা এক সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সেই তো প্রেমের পরাকাশ আবার দুই হৃদয় এক হয়ে যাচ্ছে আর সেখানে বিচ্ছেদ হলে নাই এই যে প্রেমের পরাকাষ্ঠা এইগুলি রাধারানীর ভাব ওই সমস্ত ভাবকে মহাপ্রভু আস্বাদন করলেন জগৎজীবকে দেখাই এই জন্য আপনারা শুনেছেন পূর্বে অনর্পিত চরিম চিরা করুণয়া পতি নকল সমর্পিত উন্নত উজ্জ্বল রসা
136 उन्नत उज्जवल भक्ति रस को देने के लिए आए। बोले उन्नत उज्जवल भक्ति रस ये प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महामान महामानेर परे प्रागरणे दिव्य उन्माद मय समस्त कार्य पूर्ण प्रेम তাই তো উন্নত উজ্জ্বল নয়। এখন প্রথম শব্দটা নিয়ে আসলেন প্রেম। প্রেম কাকে বলে? যেখানে কোনো যাচাইয়ের ব্যাপার নাই, সর্বস্ব দিয়ে যেখানে সেবা হয় সেখানে প্রেম, নিজের সুখের জন্য কোনো কিছু অভিলাষা সেইখানে প্রেম। বললেন ব্রজগোপীজনে প্রেমকে সমর্থা প্রেম বলা, সমর্থা প্রেম মানে ব্রজগোপীগণ তাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পতি পুত্র বন্ধু যা আছে তাদের যাই থাকুক না কেন কারোর সঙ্গে কোনো মতলব নাই, সব জায়গা থেকে মনকে তুলে নিয়ে গোবিন্দের চরণে গিয়েছে। গোবিন্দ ছাড়া আর তারা কিছুই জানে না বা বোঝে। দ্বারকা রানীগণ বলে ভাগাভাগি প্রেম বাটাবাটি প্রেম, সংসার ধর্ম করতে গিয়ে সকলে খাতিরদারি করতে হবে আর সবকে সাথ রেহা পড়েগা মিলজুল করকে চলনা পড়েগা আর সবই কো লেনা তো সব জগৎ ধ্যান বটা পড়ে সংসার জীবন মে সন্তাপ কি প্রশ্ন ইয়ে ভি এক চার এটা এক কি আবদ্ধি সংসারে ইচ্ছা অভিলাষ তো দ্বারকা কারিগরের কত সন্তান হয়েছিল দশটা করে ছেলে একটা করে মেয়ে হয়েছে তো প্রত্যেকে 11 জন করে সন্তান এখন মন একটাই এক মন এখন কত জায়গা পেটে গেল 11 জন সন্তানের প্রতি মন আর স্বামীর প্রতি মন তো মনটা বারো জায়গায় বেড়ে গেছে অন্য জায়গায় যাই হোক এখানে তো বেড়ে গেল ভাগাভাগি হয়ে গেল কিন্তু ব্রজগোপীগণ তারা সব কিছু ত্যাগ করেছে পতি সুতান নয় ভাতৃ বান্ধব পতি পুত্র ভাই বন্ধু সকলকে ত্যাগ করে সব কিছু ভুলে গিয়ে এই মাত্র কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণের প্রতি কেমন যথা সমাধৌ মুনয়ে অবস্থিত হই যেমন সমাধিতে মুনিগণ বসে যা আর কোন কিছু বাইরের দৃশ্য তাদের নজরে আসে নদী সমূহ যেমন সমুদ্রের মধ্যে জলে মিশে যায় একাকার হয়ে যায় তদ্রূপ ভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে এমন তারা তন্ময় হয়ে গেছে তারা মিশে নদৃশ সুখায় জীবনে তার সুখের কোন জিনিস দেখে নাই ভালো কাপড় পরে নাই ভালো খাওয়া পরাও করে নাই কোথাও নাচ গান করে নাই কিছুই যা করেছে কৃষ্ণের সুখ তার পরবর্তী দিবারাত্র বিরক্ত অধীর হয়ে তার কৃষ্ণ তিক্তময় হয়ে এই যে ব্রজগোপীগণের বিরহ সেই প্রেম আবার সেই প্রেমের মধ্যে কি বলছেন বধু কি আর বলিব তুমি মরিয়া হইব নন্দের নন্দা তোমার করিব রাধা বলে বধু আর তোমায় কি বলবো আমি মরে হব নন্দ নন্দন তোমায় রাধা বানাবো রাধা হয়ে যখন তুমি যমুনায় জলান্তে যাবে তখন আমি নন্দনন্দন হয়ে বাঁশিকে পাঠে আর বাঁশির সুরে তুমি মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবে
যখন তুমি মূর্ছা হয়ে পড়বে তখন আমি দূরে সরে যাব, তবে দূরে হাট যাব। আর উস সময় তুম সমঝ না কৃষ্ণ প্রেম কি, ক্যা বিরহ হ্যায়, ক্যা জ্বালা হ্যায়, আর ইয়ে তুমে চখাওগি অনুভব করা। ইসলিয়ে শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণ রাধা জি কে ভাব কো লে উনকে অঙ্গ কান্তি কো লে কর আয়ে, আর উসি কা আস্বাদন কিয়া, জগত জিন কো দিখালা। আর ফির ইয়ে তো চৈতন্য মহাপ্রভু জি নে রাধা জি কে দিব্য অনুবাদ পায় ভাব কা আস্বাদন। এই সব ভাব কৃকে আস্বাদন করলেন, গম্ভীরায় আর দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে বিরহ অনুমানে তিনি মূর্ছা হয়ে উন্মাদ অবস্থায় কখনো তিনি কচ্ছপ রূপ ধারণ করছেন, কচ্ছপের মতো শুকুরে গিয়ে এক হয়ে পিঠা কাটু, আর কখনো একুশ হাত লম্বা সর্ব সমস্ত গ্রন্থি বিদস্তি প্রমাণ করে যায়। এইভাবে যে মহাপ্রভুর অবস্থা পরিস্থিতি, রাধারানী নিজের ভাবকে উন্মাদ বিরহকে বিপ্রলম্ব ভাবকে তিনি কন্ট্রোল করেছেন, নিজে ধারণ করতে কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ গৌরী সিদ্ধি তাকে আর ধারণ করতে পারছেন। এই যে দিব্যময় প্রেম বিরহ এমন যে অবস্থা, তাতে হাত পা খুলে চলে যাচ্ছে, একুশ হাত লম্বা হয়ে অন্তর্দশায় ডুবে আছে। এই যে দিব্য অনুমাত্ময় প্রেম, সেগুলি রাধিকার ভাব জয়ছে উদ্ধব দর্শনে। মহাপ্রভু রাত্রে দিন শিক্ষক ভাব সেই ভক্ত ভাবকে আস্বাদন করে জগৎকে জানাইলে স্বভক্তি শ্রেয় স্বজানি গৌর স্বজানি রাধারানী তার ভাবের যে শ্রেয় শোভা সেই শোভা সৌন্দর্যকে জগতে প্রকাশ করলে বলে দেখ শোরুমের মধ্যে কি আছে দেখো, তাহলে কি ব্রহ্মা শিব আদি বড় বড় যোগীন্দ্র মহীন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র ধ্যানেন্দ্র সবাই চমৎকে কি আশ্চর্য। এই জন্য শিল রূপ গোস্বাই পাদ লিখলেন ব্রহ্মাণ্ড হরমোদরে চিত্রায় রাধারানীর ভাবগুলিকে ব্রহ্মাণ্ড ভবনের দিওয়ালে অঙ্কিত করে দিলেন, পাথরে খোদাই করে সেই যে চমৎকার পূর্ণ ভাবগুলিকে দর্শন করে সবাই চমৎকে আশ্চর্য যে এই যে মহাপ্রভু রাধার ভাবকে আস্বাদন করে জগৎকে জানাইলেন শিখাইলেন দেখাইলেন শোভা বর্ধন করলেন, বলে এই সব দেখে যদি কারো মনে লোভ জাগে তাহলে ওই দিকেই অগ্রসর। আমাদের গুরুবর্গ গোস্বামীগণ তারা সেই বিষয়ে লোভ জাগিয়ে সকলকে ধরে আনলেন না, এই কৃষ্ণ প্রেম রসে ডুব, এই জগতে এই কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি রস কিছু আস্বাদন তার দ্বারা জীবন সার্থক হবে। এই সংসারে আর কিছুই নাই, যেমন কৃষ্ণ উদ্ধবকে শেষে বলে গেলে হে উদ্ধব তস্মাত্তম উদ্ধব উৎসৃজ নোদ নাম প্রতিনোদ নাম যাই সর্বত ভাবে স্বর্ণ বলে কি হে উদ্ধব যদি ধর্ম কর্ম যত রকমের নিয়ম কানুন আচার ধনিতা সব জ্বালা চলি দাও নোদ নাম প্রতিনোদ নাম
शास्त्रे जत विधि विधान निषे सब किछु त्याग कर तोमाय आमि ब्रजेते पाठिये সেই ব্রজগোপীগণের ভাব তুমি দর্শন করিতে ব্রজবানন্দিনী রাধারানীর দিব্য উন্মাদময় ভাব তুমি দেখেছ অতএব সেই ব্রজগোপীগণের চরণ ধুলিতে তুমি অভিষিক্ত হয়ে যাও আর কোন কিছু প্রয়োজন নাই ওইটি জীবনের উপরে সেইটি দেখাই গুরুদেব দেখাইলে ভাগবতের মধ্যে সব থেকে প্রধান শ্লোক বল তো বলে কি ন পারে অহ নিরবদ্ধ সংযম যেখানে ভগবান কৃষ্ণ তিনি বলছেন কি আমি ভগবানে প্রেম ঋণে সদৈব ঋণী হইলাম দেবতার আই লাভ করেও প্রেম ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারে নাই ভগবানের ভগবত্তা তাহার মাধুর্য প্রেম চমৎকারিতা দেখায় আবার সেই কৃষ্ণ নিজেই তিনি উদ্ধবকে বলছেন যাব তোমার মতো আর কেউ নাই আমার অন্য কেউ আমার অত প্রিয় নয় যত কি তুমি আবার সেই প্রিয় ব্যক্তিকে শিখাতে যাও ব্রজগোপীগণের চরণ তুলিতে অভিষিক্ত হও তো এই যে প্রেমী পরাকাশ প্রেমের চমৎকারিতা রাধার ভাব মাধুরী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আস্বাদন বোধ জগৎ জীবকে জানাই গুরুবর্গ সেই বিষয়ে সকলকে নজর আকর্ষণ করলেন এদিকে ছাড়ো সব কিছু জঞ্জাল সমস্ত সংসারে আসক্তি মায়া মোহ সব কিছু ত্যাগ করে এই ভক্তি রসে ডুবে যাও আর অন্য কোন কিছু সেই জন্য আমরা গুরু বৈষ্ণবগণে চরণানু তাহাদের কিঙ্কর আমাদের সেই ভাবেতে সেই দিকেই অগ্রসর অন্য যত যা কিছু আছে সংসারের জঞ্জাল অতএব এই জঞ্জাল থেকে আমরা নির্মুক্ত হয়ে গুরু বৈষ্ণবের কথা হয়ে এই ভক্তি রসের মধ্যে আমরা এটি হচ্ছে আমাদের জীবনে প্রথম প্রথম লক্ষ্য তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবদান যে তিনি প্রেম তার এই আশ্রয় জাতীয় ভাব তাকে বুঝি তার মধ্যে প্রবেশ করা ছিল রূপ রঘুনাথের বাণীতে আমরা প্রচার অতএব শ্রী রূপ রঘুনাথের বাণীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা সেইভাবে যাতে অগ্রসর হই এটি হল আমাদের জীবনের সার্থকতা আজকে সময় নির্বাচিত সাতটা বলেছিল কিন্তু সাড়ে সাতটা বেজে গেছে যাই হোক আমাদের এই যে সময় দেওয়া হয়েছে তার জন্য আমরা ক্ষমা পাচ্ছি প্রার্থী আজকে এখানে রাখছি এখন এখানকার প্রোগ্রাম এবং আরতি হবে আর অন্যান্য সব কিছু আছে তো এখানে এই বক্তব্য সমাপ্ত করছি গৌর কুমার